Good evening, friends. सो लास्ट टाइम अच्छा जो मैंने कुछ क्वेश्चंस कहे थे करने के लिए आपसे सेक्शन 91 वो किया आपने आराम से निकल रहे होंगे. एक पाकिस्तान का और कर लेते हैं पहले. पेज 136 सेक्शन 91 का हमने पार्ट वन कर लिया था. नेक्स्ट पेज पर आइए. मैंने बताया था आपको जब पार्टीशन हुआ तब काफी हिंदूस को पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ा, अपनी जमीन छोड़ाए और उन जमीन से आज भी उनके नाम है और एग्रीकल्चरल इनकम आती है. पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगता है. अब क्या होगा कि जो इंडियन पाकिस्तान छोड़ के आया था उसकी पाकिस्तान में जमीन है तो उसे पाकिस्तान में भी टैक्स देना पड़ रहा है, कमर्शियल टैक्स होता है कुछ, और इंडिया में भी इनकम टैक्स देना पड़ रहा है. एंड देयरफॉर इसके लिए स्पेसिफिक सबसेक्शन 2 लेके आए. इफ एनी पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर प्रूव्स दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम व्हिच अक्रूड टू हिम और अरोज टू हिम ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर इन पाकिस्तान ही हैज पेड इन दैट कंट्री बाय डिडक्शन or otherwise tax payable to the government under any law for the timing enforced in that country relating to taxation of agricultural income, then he shall be entitled to reduction from the Indian income tax payable by him of an amount, one or two, whichever is lower, of the amount of tax paid by him in Pakistan under any law aforesaid on such income which is liable to tax under the Indian Income Tax Act also, or sum calculated on that income at the Indian rate of tax, whichever is less. For example, page 138. If a resident in India has agricultural land in Pakistan and has agricultural income of 10 lakh in Pakistan, such agricultural income has been taxed in Pakistan under the laws of taxation of agricultural income at 10%, that is 1 lakh rupees. Now, this resident has also other incomes of 5 lakh. India mein income hogi 15 lakh, us pe tax ho gaya 2 lakh, 73,000. Since he has paid tax in Pakistan, not as per Pakistan Income Tax Act, उस पर पाकिस्तान इनकम टैक्स एक्ट नहीं लग रहा, बट क्या लग रहा है? लॉज ऑफ टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान. He shall not be entitled to relief under section 91(1). So 91(1) में relief क्यों नहीं मिल रहा है इसे? Because जो उसे tax लगा है वहां पर वो पाकिस्तान income tax act में नहीं लगा है. वहां पर पाकिस्तान में agricultural income का taxation का अलग law है, वहां लगा है. Now relief will be जो उसे पाकिस्तान में tax दिया या फिर जो पाकिस्तानी income पर average rate of tax है वो विच एवर इज लोअर. क्लियर? अच्छा, एक 10-15 मिनट आपको एक बैकग्राउंड देता हूं जो आपके पेपर 7 के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है. जब पेपर 6 ही करेंगे हम बहुत डिटेल में करते हैं इसे, बट सुनना जरूरी है आपके लिए. क्या होता है
पूरे वर्ल्ड वाइड टैक्स इवेजन हो रही है, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में ही हो रही है। टैक्स हेवंस होते हैं लाइक साइप्रस, केमैन आइलैंड्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, यहां टैक्स लगता नहीं है, टैक्स हेवन है, और यहां कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये। केमैन आइलैंड मॉरिशस में है, वेरी स्मॉल आइलैंड, बट लोग यहां जाते हैं जस्ट टू शो दैट वी हैव अर्न इनकम हेयर। किसी ने पेटेंट बनाया, किसी ने पेटेंट बनाया तो दिखाता है कि मैं पेटेंट की सेल यहां से करूंगा, पेटेंट की सेल यहां से करूंगा। आप सोचिए, इंडिया का सिटीजन है या फिर यूएस का सिटीजन है, नॉन रेजिडेंट बन जाता है, ही बिकम्स नॉन रेजिडेंट एंड मेक्स द सेल्स ऑफ पेटेंट फ्रॉम हेयर, ताकि इनकम जो जनरेट होगी एग्जेम्प्ट है। तो यह दिक्कत पूरे वर्ल्ड को है, यूएस मतलब कोई भी कंट्री लीजिए, सबके सिटीजन यहां पर आ जाते हैं, दिखाते हैं अपनी इनकम यहां की। और यहां कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है, सिर्फ दिखाया जाता है कि हम यहां से सेल कर रहे हैं। तो सब लोग परेशान थे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, OECD, ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये इसलिए करा रहा हूं आपको, आपके पेपर 7 में भी इसके बारे में है, जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आखिरी 3 चैप्टर्स हैं उसमें 5-6 नंबर का पूछ लेते हैं आपसे, तो थोड़ी बहुत उसकी तैयारी करा रहा हूं आपको। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूरोप में ही। बेसिकली शुरू में 20 बड़ी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इसके मेंबर बने, G20 ग्रुप ऑफ 20 इसके मेंबर्स बने। आज OECD एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, इनके पास 400 इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से लोग पूरे वर्ल्ड वाइड टैक्स इवेजन करते हैं। बेस इरोशन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। आज इंडिया के जो लोग हैं नॉन रेजिडेंट स्टेटस एक्वायर करके, या इवन अगर नॉन रेजिडेंट स्टेटस नहीं भी है तो हम देखेंगे कैसे, अगले 2-3 लेक्चर में देखेंगे, इंडिया से प्रॉफिट दिखाते हैं कि हमने शिफ्ट कर दिया टू साइप्रस, यानी यहां इनकम ना दिखा के यहां इनकम दिखाते हैं। आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में दिखाऊंगा कैसे होता है सब ये। तो क्या हो रहा है कि यहां से प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रही है, इससे मेरी कंट्री का क्या हो रहा है, टैक्स बेस इरोड हो रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये प्रॉब्लम हर कंट्री की है। इसलिए OECD बनी, जिसमें पहले ग्रुप ऑफ 20 नेशंस ने ज्वाइन किया। यू विल बी सरप्राइज टुडे, 106 नेशंस हैव जॉइंड इट, 106 नेशंस ने इसको ज्वाइन किया है, और ये जबरदस्त काम कर रहे हैं, ये जबरदस्त काम कर रहे हैं। इंडिया से कम 20 फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग यहां पोस्ट कर दिए गए हैं, इंडिया से फाइनेंस मिनिस्ट्री से 20 बड़े ऑफिशियल्स यहां पोस्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। इनफैक्ट
पूरी जो 106 कंट्रीज हैं इन्होंने अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के जो सबसे इंटेलिजेंट ऑफिसर्स हैं वो यहां शिफ्ट कर दिए हैं। अब ओईसीडी ने बीईपीएस एक्शन प्लान्स बनाए, प्लान्स एक्शन प्लान वन, एक्शन प्लान टू, एक्शन प्लान थ्री, इस तरह से बड़े सारे एक्शन प्लान बनाए कि हमें ये एक्शन लेने हैं। और इस पर बहुत काम हो गया, ये हम सारा पेपर 60 में पढ़ेंगे, ये सारे एक्शन प्लान्स पेपर 60 का पार्ट है, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, ओईसीडी के एक्शन प्लान्स पे काम होता है और एक कॉन्क्रीट रिपोर्ट निकल के आती है कि ये करना है, और फिर ये 106 कंट्रीज एक साथ अपने टैक्स लॉस चेंज करती हैं। पूरी 106 कंट्रीज सेम टैक्स लॉ अपनी कंट्री में बना देती हैं ताकि हर जगह टैक्स इवेजन रुक जाए। अभी आपके लिए इतने काफी है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। जो डीटीए होता है इट इज बिटवीन लेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, यानी दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर डीटीए बनाती हैं। अब ये डीटीए अगर चेंज करना हो तो कौन चेंज करेगा, ये दोनों गवर्नमेंट्स करेंगी, ये दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर करेंगी। और आज इंडिया के 100 से ज्यादा डीटीज है। अब देखिए क्या दिक्कत आई, ओईसीडी का एक एक्शन प्लान है जो कहता है कि हम ये क्या नाम, अच्छा ओईसीडी के जो एक्शन प्लान्स है ना, ये जो बीपीएस एक्शन प्लान्स है, इसमें बड़े सारे कंसर्न एरियाज है। एक्शन प्लान वन टू थ्री, उसमें एक एक्शन प्लान है डबल नॉन टैक्सेशन, ट्रीटीज तो डबल टैक्सेशन अवॉइड करती हैं, बट क्या होता है कई बार डबल नॉन टैक्सेशन हो जाता है, यानी ट्रीटी की वजह से ना तो इनकम इंडिया में टैक्स हो रही ना बाहर टैक्स हो रही, एंड देयरफॉर देयर इज अ डबल नॉन टैक्सेशन। सो ओईसीडी के एक एक्शन प्लान में यहां जबरदस्त काम हुआ, और डबल नॉन टैक्सेशन कैसे होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा पेपर 6 से, भाई भी हमारा कंसर्न नहीं यहां पर, बट मोटा मोटा कि ट्रीटी की वजह से इनकम दोनों कंट्रीज में टैक्स नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, पिछले साल का एग्जांपल देता हूं, इंडिया में डिविडेंड एग्जाम था और ट्रीटी कह रही थी, इंडिया जर्मनी ट्रीटी कह रही थी कि अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड आएगा तो जर्मनी में टैक्स नहीं लगेगा, इंडिया में टैक्स लगेगा, और इंडिया में क्या था, डिविडेंड एग्जाम था, देयरफॉर देयर इज अ डबल नॉन टैक्सेशन। जबकि ट्रीटीज बनाई जाती हैं डबल टैक्सेशन रोकने के लिए, बट ट्रीटी से तो डबल नॉन टैक्सेशन भी हो गया, लोगों ने ट्रीटी शॉपिंग शुरू कर दी, ट्रीटी शॉपिंग देखी क्या होती, सपोज इंडिया जर्मनी का डीटीए कहता है कि जो रॉयल्टी है वो 10% पे टैक्स होगी, और सपोज इंडिया यूके का डीटीए कहता है कि रॉयल्टी जो है 5% पे टैक्स होगी, जर्मन कंपनी है, जर्मन कंपनी है तो ये डीटीए लगेगा, रॉयल्टी 10% टैक्स होगी। बट ये जर्मन कंपनी क्या चालाकी करती है, यहां पर एक शेल कंपनी खोल लेती है, शेल मतलब डमी कंपनी, जैसे बोलते हैं पोस्ट बॉक्स कंपनी नाम की कंपनी,
और बिलिंग फिर इंडिया में यहां से कर देती है, ताकि क्या कौन सा डीटीए लग जाए, इंडिया यूके 5% टैक्स ले गई। इसे ट्रीटी शॉपिंग बोलते हैं। तो लोग ट्रीटी का मिसयूज कर जाते हैं बाय डूइंग द ट्रीटी शॉपिंग, डबल नॉन टैक्सेशन हो जाती है। अब ओईसीडी के एक एक्शन प्लान ने कहा कि हम ये सब चीजें रोकेंगे, डबल नॉन टैक्सेशन रोकेंगे, ट्रीटी शॉपिंग रोकेंगे, और इसके लिए क्या होगा, अब ट्रीटीज चेंज की जाएंगी, डीटीएस चेंज किए जाएंगे। समझ में आ रहे हैं ना? अब इंडिया के 100 से ऊपर एग्रीमेंट है, अगर ओईसीडी कुछ रिकमेंड करेगी तो अब इंडियन गवर्नमेंट को 100 डीटीए चेंज करने पड़ेंगे, यानी 100 गवर्नमेंट्स के साथ बैठना पड़ेगा। बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, इम्पॉसिबल सा टास्क है। एक एक्शन प्लान ये भी बना कि डीटीए चेंज करने पड़ेंगे तो कैसे होंगे, इम्पॉसिबल है कि 100 बार मतलब इंडियन गवर्नमेंट 100 गवर्नमेंट के साथ बात करेगी, डीटीए चेंज करेगी, बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है। एंड एक एक्शन प्लान ये बना कि डीटीए कैसे चेंज किए जाए विदाउट ऑल दिस प्रॉब्लम्स। एक एक्शन प्लान के तहत के अंडर मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट MLI एक मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट बना, सो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है समझाने में, ये बिकॉज बड़ा डिटेल्ड है, वैसे ही है, मैं कोशिश करूं आपको समझ में आ जाए। सो एक मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट बना जिसे 106 कंट्रीज ने साइन किया, और इन्होंने पावर दे दी कि जो लोग ये मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट साइन करेंगे उनकी डीटीए ऑटोमेटिकली चेंज कर दिए जाएंगे, उनके डीटीए ऑटोमेटिकली चेंज कर दिए जाएंगे। तो जैसे इंडिया एमएलआई साइन करेगी मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, तो इंडिया बताएगी कि हमारे सीटीएस क्या है, कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इंडिया जब एमएलआई साइन करेगी बताएगी कि हम ये एग्रीमेंट्स कवर करना चाहते हैं, इंडिया जर्मनी वाला एग्रीमेंट, इंडिया यूके वाला एग्रीमेंट, इंडिया सिंगापुर वाला एग्रीमेंट, इंडिया दुबई वाला एग्रीमेंट, ये कवर्ड हमारे एग्रीमेंट्स। फिर जब ये साइन कर देगी बाकी कंट्रीज भी साइन करेंगी, बाकी कंट्रीज भी बताएंगी कि हमारे सीटीएस कौन से जो हम चेंज करवाना चाहेंगे इसके थ्रू। फिर आपको ऑप्ट आउट करने का भी ऑप्शन होता है, आप चाहे तो एमएलआई से बाहर निकल सकते, कह सकते जी मैं चेंज नहीं करवाना चाहता, मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूं। आप रेटिफिकेशन की वो होती है आपको कि जब कुछ चेंज करेंगे तो हम आपसे रेटिफाई करवाएंगे, भैया हम ये चेंज करने जा रहे हैं, ठीक। तो ये इंडिया ने साइन किया, ये एमएलआई इंडिया ने साइन किया, आई थिंक नवंबर 19 में किया था, पेज 142 पर आइए, अक्टूबर 19। सो इंडिया ने एमएलआई साइन किया था 1 अक्टूबर 19 को, जहां इंडिया ने पावर दे दी थी ओईसीडी को कि हमारे डीटीएस आप चेंज कर सकते हैं।
यानी जैसे इंडिया यूके का एग्रीमेंट चेंज होगा तो यानी इस एमएलआई पे किस किस के साइन होंगे, इंडियन गवर्नमेंट एंड यूके गवर्नमेंट, और 106 कंट्रीज ने ये एमएलआई साइन कर दिया है। इसमें हर कंट्री बताती है हमारा सीटीए कौन कौन से एग्रीमेंट्स कवर्ड होंगे, कौन कौन सी कंट्रीज वाले, ऑप्ट आउट करने की पावर होती है आपके पास, रेटिफिकेशन की पावर दी जाती है आपको कि जो चेंजेस होंगे रेटिफाई करेंगे आप, इस तरह की बातें, इतना काफी आपके लिए, इतना काफी आपके लिए। अब देखिए क्या हुआ, ये सब बातें ओईसीडी में एस्टेब्लिश्ड है, एक्शन प्लान्स बन गए, इंडिया एग्रीमेंट साइन करके आ गई एमएलआई, और ये सब कुछ इंप्लीमेंट अब हो जाएगा फ्रॉम 1/4/20। 1/4/20 एंड देयरफॉर ओईसीडी ने सभी कंट्रीज को बोला कि अपने इनकम टैक्स एक्ट में बात लिख लीजिए, अपने इनकम टैक्स एक्ट में लिख दीजिए कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स सिर्फ डबल टैक्सेशन अवॉइड नहीं करेंगे, और क्या अवॉइड करेंगे, डबल नॉन टैक्सेशन अवॉइड करेंगे, ट्रीटी शॉपिंग अवॉइड करेंगे, जहां लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वहां इनकम एलोकेट नहीं होने देंगे हम, और ओईसीडी ने सभी कंट्रीज को कहा अपना एक्ट चेंज कर लीजिए इस बार, क्योंकि ये जो आपने एग्रीमेंट साइन किया एमएलआई ये 1/4/20 से इंप्लीमेंट हो गया है, कल को कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए कि आपके एक्ट में तो ये पावर है ही नहीं कि डबल नॉन टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट होता है, इसलिए फाइनेंस एक्ट 20 से सेक्शन 90 चेंज किया गया, फाइनेंस एक्ट 20 से सेक्शन 90 चेंज किया गया, और ओईसीडी ने जो कहा था कि डीटीए का एम सिर्फ डबल टैक्सेशन रोकने का नहीं होता, क्या होता है, डबल नॉन टैक्सेशन रोकने का होता है, ट्रीटी शॉपिंग रोकने का होता है, ये सब बातें सेक्शन 90 में डाल दी गई। आई होप आई एम क्लियर, नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल 20 ऑन पेज 142। सेक्शन 90 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरीज एंड दीज आर कॉमनली नोन एज डीटीएस। क्लॉज ए में है, सुनिए प्लीज, डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट एंटर करते हैं, सी है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, डी है रिकवरी ऑफ टैक्सेस फ्रॉम बोथ द कंट्री उसके लिए एग्रीमेंट होते हैं, सेक्शन 90 ए बी इसी तरह से होता है, सेक्शन 90 ए बी इसी तरह से होता है। इंडिया हैज साइंड व्हाट द मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इंप्लीमेंट द टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स, समझ में आ रहा है, इंडिया हैज साइंड द एमएलआई, एमएलआई बोलते हैं, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट होता है, कन्वेंशन टू इंप्लीमेंट द टैक्स ट्रीटी रिलेटेड, व्हाट इज टैक्स ट्रीटी, डीटीए, डीटीए टू इंप्लीमेंट द टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स टू प्रिवेंट व्हाट, बेस इरोशन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज एमएलआई, along with the representatives of many countries which has since been ratified. 106 countries ne aur sign kiya MLI aur sab ne ratify kar diya. Jis din budget aaya isne kaha ki sab ne ratify kar diya, sab ne kaha humne maan liya. India has since deposited the instrument of ratification to OECD Paris along with its final position इन टर्म्स ऑफ सीटीएस कवर टैक्स एग्रीमेंट्स। सो इंडिया ने एमएलआई को रेटिफाई करके, क्योंकि रेटिफाई इंडियन प्रेसिडेंट करता है,
सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रेटिफाई कर दिया उसे कि यस हमने साइन किया है और उसे जमा कर दिया कहां पर, ओईसीडी पेरिस ऑफिस विद अ फाइनल पोजिशन इन टर्म्स ऑफ कवर टैक्स एग्रीमेंट्स. कौन कौन से डीटीएस हम कवर करवा रहे हैं, रिजर्वेशंस, ऑप्शंस एंड नोटिफिकेशन अंडर एमएलआई. एज अ रिजल्ट ऑफ विच एमएलआई जो एंटर किया था, एमएलआई हैज एंटर्ड इनटू फोर्स फॉर इंडिया ऑन 1st October 2019 एंड इट्स प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल ऑन इंडियन डीटीएस विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021. आपके एग्जाम द एमएलआई, ये जो मैंने बताया था ना वो है, देखिए एमएलआई इज द आउटकम ऑफ 20 नेशन इकट्ठे हुए थे पहले G20, OECD प्रोजेक्ट टू टैकल द बेस इरोशन प्रॉफिट शिफ्टिंग BEPS प्रोजेक्ट दैट इज टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज दैट एक्सप्लॉइट द गैप्स एंड mismatches इन द टैक्स rules टू आर्टिफिशियली शिफ्ट profits टू लो और नो टैक्स locations where देयर इज लिटल और नो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्टिंग इन लिटल और नो ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्स बींग पेड. MLI क्या करेंगे अब, ये विल मॉडिफाई इंडियाज DTAs टू curb रेवेन्यू लॉस थ्रू ट्रीटी एब्यूज बेस इरोशन प्रॉफिट शिफ्टिंग स्ट्रेटेजीज बाय एंश्योरिंग दैट प्रॉफिट्स आर टैक्स्ड वेयर सब्सटेंटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेटिंग द प्रॉफिट्स आर कैरिड आउट. द MLI विल बी अप्लाइड अलोंग साइड द एग्जिस्टिंग DTAs मॉडिफाइंग दर एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द BEPS मेजर्स. आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया आपको. और अगर आप वाकई में इंटरनेशनल टैक्स में जाना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टडी BEPS, क्योंकि जितना लॉ बन रहा है आज इंडिया में, इंडिया से बाहर सब सेम बन रहा है और सब कुछ निकल रहा है फ्रॉम OECD BEPS. आर्टिकल 6 ऑफ MLI, व्हाट इज आर्टिकल पैराग्राफ, provides for modification of cover tax agreements to include the following preamble text. तो ये बता रहे हैं जो MLI इंडिया ने साइन किया उसके आर्टिकल 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है. Intending to eliminate double taxation with respect to taxes covered by this agreement without creating opportunities for non-taxation or reduce taxation through tax evasion avoidance including treaty shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in the agreement for indirect benefit of residents of the third jurisdictions. तो ये सब कुछ याद नहीं करना आपने, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं क्या हुआ है ये. इन ऑर्डर टू अचीव दिस हमने क्या किया, हमने इनकम टैक्स एक्ट चेंज कर दिया. ये बात है इनकम टैक्स एक्ट में लिख दी, अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया. आ जाइए चैप्टर में. पेज 132, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, पेज 133 पर आइएगा. एग्रीमेंट विद सेक्शन 90 होता है जहां DTAs एंटर किए जाते हैं. एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज और स्पेसिफाइड टेरिटरीज, ये वर्ड स्पेसिफाइड टेरिटरी बाद में ऐड किया गया था. द सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर
इनटू एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, यानी इंडियन गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ डीटी एंटर करेगी। अब इन्हें दिक्कत क्या आई सुनिए प्लीज, कुछ कंट्रीज हैं जहां गवर्नमेंट नहीं है, हांगकांग, आप सुन रहे हो हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए, हांगकांग में नाम का रूलर है, हांगकांग में नाम का रूलर है, बट हांगकांग को कंट्रोल कौन कर रहा है, चाइना, सेम इज मकाऊ, सेम इज मकाऊ। सो बड़े सारे आइलैंड्स है लाइक हांगकांग, मकाऊ, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जहां नाम के रूलर है, पपेट है, कंट्रोल कौन कर रहा है, चाइना, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को यूके कंट्रोल करती है। अब हांगकांग में एग्रीमेंट किससे करेंगे हम, वह तो गवर्नमेंट ही नहीं है, एंड देयरफॉर स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, हांगकांग के रूलर से कर लेंगे हम। सो स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, ये लिस्ट दी गई है पेज 136 पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की फॉलोइंग स्पेसिफाइड टेरिटरीज फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 90, याद नहीं करना आपने, याद नहीं करना आपने, नॉलेज के लिए, ये सारे मेरे टैक्स हेवंस हैं, ये सारे टैक्स हेवंस हैं, मकाऊ, हांगकांग, सेंट मार्टिन, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, मकाऊ, हाँ मकाऊ है ना, केमेन आइलैंड देखिए, और ये इनके अंडर आते हैं, नाम के रूलर हैं यहां पर, बट कंट्रोल कर रहा है चाइना, चाइना ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है इनको। ठीक, वापस आ जाइए। अच्छा, ये जो है ना स्पेसिफाइड कंट्रीज, स्पेसिफाइड टेरिटरीज, वहां तो टैक्स लगता ही नहीं, फिर डीटीए का क्या मतलब हुआ, इनके साथ एंटर करती है गवर्नमेंट टीआईईए, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट सेंटर करती है। इन कंट्रीज में तो टैक्स है ही नहीं, तो डीटीए का मतलब ही नहीं हुआ, तो इनके साथ एंटर होते हैं टीआईईए, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स। याद करिए, मैंने अपने मॉड्यूल 2 में बताया था आपको, अब असेसमेंट्स कर रहे थे हम। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, किस लिए, ए फॉर ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑन विच, थोड़ी लैंग्वेज फॉल्टी है बट बेरेट की लैंग्वेज है, ये बेरेट की लैंग्वेज मैंने चेंज नहीं की, थोड़ी सी फॉल्टी है, फॉर ग्रांटिंग रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑन विच हैव बीन पेड बोथ इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट एंड इनकम टैक्स इन दैट कंट्री स्पेसिफिक टेरिटरी, ऐसे केस में भी क्या मतलब हुआ, इससे आगे लिखे डेट इज वेयर इनकम हैज बीन टैक्स्ड इन बोथ द कंट्रीज देन डीटीए विल प्रोवाइड वॉट टैक्स क्रेडिट रिलीफ। ए का पार्ट 2 क्या है,
ए का पार्ट टू किया, ऊपर से पढ़िए, फॉर ग्रांटिंग रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर टू इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट एंड अंडर द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ इनफोर्स इन दैट कंट्री मीन्स उसका अगले डेट इज डीटीए विल प्रोवाइड दैट इनकम विल बी टैक्स्ड ओनली इन वन कंट्री अगर नहीं समझ में आए मुझे प्लीज पूछ लीजिएगा ऑल दो मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल ग्राउंड पर आकर समझाऊं आपको और बताइए सब क्यों करती है गवर्नमेंट ताकि दोनों कंट्रीज में ट्रेड चले इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे हो सो पहला एम है डीटीए का सो कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया गया आपसे डीटीए क्यों एंटर किए जाते हैं एबीसीडी आंसर है आपका एबीसीडी आंसर है सो ए है रिलीफ देता है डीटीए क्लॉज वन है जहां इनकम दोनों जगह टैक्स हो रही है तो डीटीए प्रोवाइड करेगा कि टैक्स पेड इन द सोर्स कंट्री विल बी अलाउड क्रेडिट इन द रेजिडेंस कंट्री एंड नंबर टू डीटीए कहेगा कि इनकम रिलीफ देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट एंड अंडर द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ इनफोर्स्ड इन दैट कंट्री स्पेसिफिक टेरिटरी एज द केस मे बी एंड दिस इज डन टू प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स क्लियर नंबर टू एम ऑफ डीटीए एम ऑफ डीटीए होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस रोकना टू अवॉइड डबल टैक्सेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम अंडर दिस एक्ट एंड अंडर द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ इनफोर्स इन दैट कंट्री स्पेसिफाइड टेरिटरी एज द केस मे बी ये जो आगे बोल्ड में दिया हुआ है अमेंडमेंट है बाय फाइनेंस एक्ट 20 सो डीटीए का एम है डबल टैक्सेशन रोकना विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन टैक्सेशन ऑफ इनकम या रिड्यूस टैक्सेशन ऑफ इनकम थ्रू टैक्स इवेशन अवॉइडेंस इंक्लूडिंग थ्रू ट्रीटी शॉपिंग अरेंजमेंट्स aimed at obtaining reliefs provided in the said agreement for indirect benefit to residents of any of the countries जैसे मैंने जर्मनी का एग्जाम्पल दिया था आप क्लियर हो गए अमेंडमेंट तो अब डीटीए चेंज कर दिए जाएंगे अगर डबल नॉन टैक्सेशन हो रही है जैसे लास्ट ईयर तक इंडिया में डिविडेंड एग्जाम था और डीटीए कहते थे कि इंडियन कंपनी का डिविडेंड इंडिया में टैक्स होगा बाहर टैक्स नहीं होगा तो दोनों जगह टैक्स नहीं हो रहा था अब इस साल भी अगर ये लॉ होता तो डीटीए चेंज करके कह देते हम डिविडेंड बाहर टैक्स करेंगे और ये डीटीए कैसे चेंज किए जाएंगे अब एमएलआई बट डीटीए तो डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए होते थे कोई चैलेंज कर सकता इस बात को इसलिए हमने एक्सचेंज कर दिया कि एम डीटीए का सिर्फ डबल टैक्सेशन रोकना नहीं होता इवन रोकना होता है विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन टैक्सेशन रोकना है रिड्यूस टैक्सेशन वो रोकना है ये कैसे करते हैं लोग थ्रू टैक्स इवेशन अवॉइडेंस इंक्लूडिंग थ्रू ट्रीटी शॉपिंग अरेंजमेंट्स ये मैं आपको गार में कराऊंगा गार में कराऊं भी नहीं करते मिक्स हो जाएगा हाँ तो अगर इंडिया ने साइन किया हुआ है जर्मनी ने साइन किया हुआ है एमएलआई तभी एग्रीमेंट चेंज हो सकता है थ्रू एमएलआई अदरवाइज नहीं हो सकता और देखिए कंट्रीज क्यों मना करेंगी
और ओईसीडी में आपके 20 फाइनेंस मिनिस्ट्री के आदमी तो बैठे हुए हैं, और ओईसीडी आज सारी कंट्रीज की बैकिंग है उसके पास कि चेंज करिए लॉ। ये गूगल जैसे बंदे हैं पैसा कमा रहे, एक पैसा टैक्स नहीं दे रहे। तो पेपर 6C में देखेंगे गूगल को कैसे अटैक कर रहे हैं। अभी मैंने बिजनेस कनेक्शन जानबूझ के नहीं करा रहा, मैं आपको बिजनेस कनेक्शन छोटा सा लॉ है मैं नहीं करा रहा, क्योंकि वहां ये ओईसीडी की बातें आ गई है। ओईसीडी ने बिजनेस कनेक्शन का जो लॉ है ना वो इस बार चेंज करवाया है इंडिया से। तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा आप राइज कर जाए इंटरनेशनल टैक्सेशन में, तब आपको बिजनेस कनेक्शन करो, अदरवाइज रटते रह जाएंगे। तो डीटी का एम अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन के साथ ये भी है, टू स्टॉप नॉन टैक्सेशन, टू स्टॉप रिड्यूस टैक्सेशन। ये कैसे होता है? टैक्स इवेशन के थ्रू, टैक्स अवॉइडेंस के थ्रू। ट्रीटी शॉपिंग करते हैं लोग, एग्रीमेंट को मिसयूज करते हैं और किसी थर्ड कंट्री का एग्रीमेंट यूज कर लेते की कोशिश कर जाते हैं। ठीक है, याद करना आपने ये सारा। एम ऑफ डीटीएस सी, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर चिदंबरम थे जिन्होंने डीटीए यूज किया। आपने सुना होगा बड़े सालों से बात कर रहे थे कि स्विट्जरलैंड में इंडियंस के अकाउंट होते हैं। अच्छा, स्विट्जरलैंड बैंक्स कहते हैं जी हमारा तो सीक्रेसी चलता है, कॉन्फिडेंशियल चलता है, हम तो इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते। अब इंडिया के जितने डीटीएस हैं उन सब में ये लिखा होता है एम ऑफ डीटीएस। तो जब डीटीए पढ़ना शुरू करते हैं तो वाले कहता प्रीएम्बल, प्रीएम्बल मतलब एम ऑफ डीटीए क्या है, इस डीटीए का एम क्या है। ये चारों एज इट इज रिप्रोड्यूस होते हैं। आप गूगल पर जाके कोई भी डीटीए सर्च कर लीजिएगा, उसमें ये आपको कॉपीड मिलेंगे, कॉपीड मिलेंगे। क्या कहता मैं, हाँ, तो हमारा जो स्विट्जरलैंड का डीटीए है उसमें ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डीटीए प्रोवाइड करेंगे फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर प्रिवेंशन ऑफ इवेशन, अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट और अंडर द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ इनफोर्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड इन दिस केस में भी, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस ऑफ सच इवेशन अवॉइडेंस। तो हमारा जो डीटीए है स्विट्जरलैंड के साथ उसमें ये लिखा हुआ है। जब चिदंबरम फाइनेंस मिनिस्टर बने उन्होंने स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को लिखा कि आपका हमारे साथ डीटीए है, उस डीटी का क्लॉज ये कहता है, नाउ प्लीज फर्निश अस ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन अकाउंट होल्डर्स जो स्विट्जरलैंड में अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं, और अगर आपने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी दिस विल बी अ ब्रीच ऑफ दिस इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट ब्रीच नहीं कर सकता, उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाते हैं। इसीलिए स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी पड़ी थी। आज हांगकांग है, हांगकांग में अकाउंट खोलिए आप, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है कि हमें पास इंफॉर्मेशन, आपके पास हांगकांग में अकाउंट है एचएसबीसी में। तो TIEA में भी ये लिखते हैं कि आप हमसे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे। सो DTA का एम होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, किस लिए? प्रिवेंशन के लिए, ऑफ इवेजन, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ इन्फोर्स इन दैट कंट्री, एंड ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस। जो लोग इवेजन कर चुके हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट करने में DTA हेल्प करेंगे दोनों गवर्नमेंट्स। Of such evasion avoidance, right? अब जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या यूके में जाके छिप गए, बैठ गए, क्या इंडियन गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट से कहती है हमें इससे टैक्स लेना है, रिकवर करके दीजिए हमें? यस, क्लॉज डी। इंडियन गवर्नमेंट ये काम कर चुकी है। यूके गवर्नमेंट को डिमांड कर चुकी है कि हमारा
विजय मल्या का इतना टैक्स बन रहा है, वो टैक्स उसकी प्रॉपर्टीज बेच करके रिकवर कर दीजिए, करके दीजिए हमें, बिकॉज आपने हमारे साथ डीटी किया हुआ है। डीटी का ये क्लॉज कहता है डीटी प्रोवाइड करेंगे फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ इन्फोर्स इन दैट कंट्री, स्पेसिफिकली इस केस में भी इंडियन गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी। अगर कोई यूके सिटीजन इंडिया में आके असाइलम ले लेता है, शरण क्या था, शरणागर्थी जो भी होता है, असाइलम, तो उससे भी रिकवरी इंडियन गवर्नमेंट करके देगी। क्लियर है? एंड मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक सच प्रोविजंस एज मे बी नेसेसरी फॉर इंप्लीमेंटिंग द एग्रीमेंट। दिस इज द एम ऑफ डीटीएस नंबर टू। अगर डीटीए कहता है 10% टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट कहता है 15% टैक्स, क्या प्रिवेल करेगा? जो भी बेनिफिशियल है, जो बेनिफिशियल है। डीटीए कहता 10% रॉयल्टी पर, 115A कहता 10% रॉयल्टी पर, क्या लगेगा? डीटीए लगेगा, बिकॉज डीटीए में जो टैक्स रेट्स होते हैं उस पर सरचार्ज सेस नहीं लगता। सबसेक्शन टू देखिएगा, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया एज द केस में बी अंडर सबसेक्शन वन फॉर ग्रांटिंग रिलीफ ऑफ टैक्स एज द केस में बी अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन देन इन रिलेशन टू द सेसी टू होम सच एग्रीमेंट अप्लाइज द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू द एक्सटेंट दे आर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई टू द एक्सटेंट दे आर मोर बेनिफिशियल टू द सेसी। यानी एक्ट और डीटीए जो भी मोर बेनिफिशियल है डेट विल अप्लाई टू ए। हम गार में पढ़ेंगे, गार एक गार का क्वेश्चन करा ही देता हूं आपको। सस्पेंस बना रहेगा आपके माइंड में। गार देखिए कहां पर है, 311। पेज 320 पर आइए। एक इलस्ट्रेशन देखिए, इंडिया और केन्या के बीच डीटीए है, मिल गया पेज 320। इंडिया केन्या के बीच डीटीए, सुनिए प्लीज, इंडिया केन्या के बीच डीटीए है और डीटीए कहता है कि अगर केन्या की कंपनी इंडियन कंपनी में मोर देन 10% शेयर्स होल्ड करेगी, डीटीए कहता है कि अगर केन्या की कंपनी इंडियन कंपनी में मोर देन 10% शेयर्स होल्ड करेगी तो जब इंडियन कंपनी के शेयर्स बिकेंगे तो कैप गेन्स विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो केन्या इंडिया के बीच डीटीए कहता है कि अगर केन्या कंपनी के इस कंपनी में 10% से कम शेयर्स है फिर तो कैप गेन्स केन्या में टैक्स नहीं होगा, कैपियंस इंडिया में टैक्स नहीं होगा, सॉरी इंडिया में टैक्स नहीं होगा, और अगर 10% से ज्यादा है तो इंडिया में टैक्स होगा। फ्यूची कंपनी क्या करती है, केन्या में दो कंपनी बनाती है, जामा कामा,
यूजी कंपनी है। ये देखिए क्या प्लानिंग करती है, केनिया में दो कंपनी बनाती है, जामा कामा, दोनों में 100% शेयर होल्ड कर रही है। अब ये जामा कामा इंडियन कंपनी के 9.95% शेयर होल्ड कर लेते हैं, अब ये शेयर्स बिकते हैं, ये शेयर्स बेचे जाते हैं, ये कहते हैं हमें टैक्स देना ही नहीं इंडिया में, बिकॉज होल्डिंग लेस देन 10% है। पर यहां गार आ जाता है, कहता है व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये दो कंपनी क्यों बनाई आपने, क्यों बनाई दो कंपनी, ट्रीटी को मिसयूज करने के लिए। तो गार पावर दे देगा, हम ट्रीटी नहीं लगाएंगे अब आपकी, गार कहेगा ट्रीटी नहीं लगेगी अब आपकी, मिसयूज कर रहे हैं, ठीक। आप पढ़ी समझ में आ जाएगा, पेज 133, नॉट विथ स्टैंडिंग, अभी आपने पढ़ा ऊपर लिखा था ट्रीटी एक्ट जो भी बेनिफिशियल है वो लगेगा, हम उस बात को ओवररूल कर देते हैं, प्रोविजंस ऑफ चैप्टर गार विल अप्लाई टू द असेसी इवन इफ सच प्रोविजंस आर नॉट बेनिफिशियल टू हिम, गार से आपको तकलीफ होगी भी तो भी लगाएंगे हम, गार ओवररूल्स डीटीएस, गार ओवररूल्स डीटीएस, गार ओवररूल्स डीटीएस। ओके बताइए प्लीज, एक बार फटाफट एनालिसिस देखिए, फटाफट एनालिसिस देखिए, पेज 134, एज पर सेक्शन 92 द प्रोविजंस ऑफ एग्रीमेंट विल अप्लाई इफ दे आर बेनिफिशियल टू द एसएससी, इफ इनकम टैक्स एक्ट इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी देन इनकम टैक्स एक्ट विल अप्लाई। नंबर टू, इफेक्ट ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट इज की इनकम टैक्स होती है वन कंट्री में, और अगर इनकम टैक्स होती है दोनों कंट्रीज में तो जो टैक्स पे किया आपने एक कंट्री में उसका क्रेडिट दूसरी कंट्री में मिल जाता है आपको। थ्री, ऑल्सो इफ प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आर मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी देन डीटीए, इनकम टैक्स एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डीटीए प्रोवाइड करता है कि रॉयल्टी टैक्स होगी 35%, बट 115 ये कहता है 10%, तो 10% लगेगा। अगर डीटीए मोर बेनिफिशियल है तो डीटीए अप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल डीटीए कहता है टैक्स रेट 10% है, तो 115 ए भी 10% कहता है, लेकिन हम डीटीए लगाएंगे बिकॉज डीटीए में सरचार्ज एजुकेशन सेस नहीं लगता। नेक्स्ट, द चैप्टर ऑफ गार विल हैव एन ओवररूलिंग इफेक्ट ओवर द डीटीएस इवन व्हेन दीज डीटीएस आर मोर बेनिफिशियल इफ इंटेंशन इज टू अवॉइड द टैक्स थ्रू मिसयूज ऑफ द डीटीएस। फोर, सेक्शन 90 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंटर इनटू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया फॉर ग्रांटिंग डबल टैक्सेशन रिलीफ, फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, इवेशन ऑफ टैक्स, द गवर्नमेंट एक्सपेंड्स द स्कोप ऑफ कॉपरेशन बाय एंटरिंग इनटू डीटीए और टीआईए टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स विद सच नॉन सॉवरेन जुरिसडिक्शंस लाइक हांगकांग मकाउ। मेनी ऑफ दिस ऑफशोर सेंटर्स जनरली दीज आर टैक्स हेवन्स आर नॉन सॉवरेन जुरिसडिक्शंस, यानी वहां गवर्नमेंट है ही नहीं, चाइना वगैरह रूल करती है। एंड गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एंटर इन टू इन एग्रीमेंट्स विद देम फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, की नोट पढ़िए, की नोट,
इफ द रेट्स ऑफ डीटी आर एप्लीकेबल देन सच रेट शैल नॉट बी इंक्रीज बाय सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यहां तक क्लियर है आपको? अब लोग ट्रीटी शॉपिंग करते हैं। पेज 135 पर देखिए, इलस्ट्रेशन 1 देखिए, ट्रीटी शॉपिंग कैसे होती है। ट्रीटी शॉपिंग टैक्स रेट एज पर 115A है 10%, टैक्स रेट ऑन सच रॉयल्टीज 5%, एज पर डीटीए बिटवीन इंडिया एंड यूएस। एग्जाम्पल ही हमने ये टैक्स रेट ऑन सच रॉयल्टीज 30% एज पर डीटी बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। एग्जाम्पल है प्लीज ये। नाउ व्हाट यूज टू हैपन इज कि जर्मन कंपनी है, उसने नोहा प्रोवाइड किया इंडियन कंपनी को, तो अब इंडिया जर्मनी का डीटीए लग जाएगा, टैक्स रेट क्या लगेगा 10%। बताइए अब ये जर्मन क्या करती थी कंपनी, यूएस में एक पोस्ट ऑफिस कंपनी खोल ली। व्हाट इज पोस्ट ऑफिस कंपनी? शेल कंपनी नाम की कंपनी, और वहां से बिलिंग कर दी। नाउ द जर्मन कंपनी प्रोवाइड्स नोहा फ्रॉम यूएस एंड रिसीव्स द पेमेंट इन यूएस एंड क्लेम्स दैट टैक्स रेट शुड बी 5%। ये बड़ी रैम्पेंट प्रैक्टिस थी, इसलिए अब इन्होंने कहा कि अगर आप किसी डीटीए का बेनिफिट ले रहे हैं, ये जर्मन कंपनी कौन सा डीटीए यूज कर रही है, इंडिया यूएस, तो जर्मन कंपनी विल हैव टू प्रोड्यूस अ टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ यूएस। तो यानी यूएस डीटीए का बेनिफिट तभी मिलेगा अगर यूएस गवर्नमेंट लिख के देती है यस कि आपकी सारी टैक्स फाइलिंग यूएस में होती है, वो मिलेगा नहीं, इसलिए डीटीए लगेगा नहीं आपका। द जर्मन विल नाउ हैव टू प्रोड्यूस टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ऑफ यूएस विच ही कैन नॉट प्रोड्यूस एंड देयरफॉर ही हैज टू पे टैक्स एज पर द जर्मन डीटीए 10%। ये देखिए प्रोविजन आई पेज 133 सबसेक्शन 4, पेज 133 सबसेक्शन 4। An assessee not being a resident to whom an agreement referred to in subsection 1 applies, यानी जिसको डीटी लगता है, shall not be entitled to claim any relief under such agreement unless, यानी डीटी का बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a certificate of his being a resident in any country outside India, specified territory outside India as the case may be, is obtained by him from the government of that country's specified territory. This is called tax residency certificate. Clear? आप कभी फॉर्म 15CA 15CB भरेंगे ना, वहां आपको TRC टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अगर एक फॉरनर ने मुझे टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं यूएस का टैक्स रेजिडेंट हूं, क्या ईओ उसको क्वेश्चन कर सकता है? दे सेड नो। क्लेरिफिकेशन आ गई कि अगर फॉरेन गवर्नमेंट से आप टीआरसी ले आए, इंडियन ईओ क्वेश्चन नहीं करेगा, और जिस गवर्नमेंट से आप वो लेके आए टीआरसी टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, उसका डीटेल लगा देगा आपको। The tax residency certificate produced by the resident of a foreign country will be accepted as evidence that he is a resident of that foreign country, and the income tax authorities in India will not go behind the TRC and question his residential status, ki wo kis country ka resident hai.
एक मिनट, एक्सप्लेनेशन वन समझिए, एक्सप्लेनेशन वन समझिए। डीटीएस कहते हैं, कई डीटीएस कहते हैं कि रेट ऑफ टैक्स ऑन फॉरेन कंपनी शैल बी नॉट लेस फेवरेबल देन टैक्स ऑन डोमेस्टिक कंपनी। सो जब हम पेपर सिक्स ही पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज, छोड़िए अभी, बट डीटीए कहते हैं, कई डीटीए कहते हैं कि जो टैक्स रेट लगेगा फॉरेन कंपनी पर दैट विल बी नॉट लेस फेवरेबल देन द टैक्स रेट ऑन द डोमेस्टिक कंपनी। यानी सपोज डोमेस्टिक कंपनी पर टैक्स रेट 25% है, क्या मतलब हुआ? अच्छे से ज्यादा नहीं होगा। यानी फॉरेन कंपनी पर टैक्स रेट 25 से ज्यादा नहीं होगा, बट फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट क्या है? 40%। आप देखिए इन्होंने क्या अमेंडमेंट की एक्सप्लेनेशन वन में, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, जिसपे फॉरेन गवर्नमेंट्स बहुत चिल्लाई थी, जिनके डीटीएस ये प्रोवाइड करते हैं उन्होंने बहुत चिल्लाया था कि क्या, व्हाट नॉनसेंस यू हैव डन। For the removal of doubts, it is hereby declared that charge of tax in respect of a foreign company at a rate higher than the rate at which domestic company is chargeable shall not be regarded as less favorable charge in respect of such foreign company. तो कह रहे हैं अगर हम 40% चार्ज करते फॉरेन कंपनी पर तो हम उसे लेस फेवरेबल नहीं मानेंगे। मजाक उड़ाया लोगों इन्होंने, नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज का मजाक उड़ गया, बट ये अमेंडमेंट पास हो गए। तो व्हाट दे सेइंग इज कि हम अगर फॉरेन कंपनी में 40% टैक्स लगा रहे हैं तो ये डीम किया जाएगा वो लेस फेवरेबल नहीं है देन द रेट एप्लीकेबल टू द डोमेस्टिक कंपनी। सो फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट चार्ज ऑफ इनकम टैक्स In respect of a foreign company at a rate higher than the rate at which domestic company is chargeable shall not be regarded as a less favorable charge or levy of tax in respect of such foreign company. इसके आगे लिखिए, सी क्वेश्चन 10 ऑन पेज 149, एक्सप्लेनेशन वन के आगे लिखिए सी क्वेश्चन 10 पेज 149, जो आपका पेपर 7 का नया स्टडी मटेरियल आ रहा है उसमें मेन जो टेक्स्ट पोर्शन है उसमें ये इलस्ट्रेशन दी हुई है जो क्वेश्चन 10 है, देखिएगा। इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्वेश्चन 10 को। कॉस्मोस लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मॉरिशस हैज अ ब्रांच ऑफिस इन हैदराबाद ओपन इन अप्रैल 17। द इंडियन ब्रांच हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 डिस्क्लोजिंग इनकम ऑफ रुपीज 50 लाख।
इट पेड फॉरेन कंपनी की ब्रांच है, फॉरेन कंपनी की ब्रांच है, बट इट पेड टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल टू द डोमेस्टिक कंपनी दैट इज 30% प्लस एजुकेशन सेस ऑन द बेसिस ऑफ पैरा टू ऑफ आर्टिकल 24 विच इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन मॉरिशियस विच इज रिप्रोड्यूस्ड बिलो. सो इंडिया मॉरिशियस का डीटीए कहता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, उसमें आर्टिकल 24 का पैरा टू कहता है द टैक्सेशन ऑफ अ पी, तो ब्रांच पी है, फॉरेन कंपनी की ब्रांच पी है ना, द टैक्सेशन ऑन पी विच एन एंटरप्राइज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, एंटरप्राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मॉरिशियस, मॉरिशियस वाली हैज इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इंडिया शेल नॉट बी लेस फेवरेबली लेवेड इन द अदर स्टेट then taxation levied on enterprise in that other state carrying on the same activities or same circumstances. तो जो मैं पेपर 6 में आपको पढ़ना सिखाता हूं डीटीए, मैं कहता हूं लॉ डीटीए में लिखा होता है where a resident of a contracting state derives income in the other contracting state then the income will be taxable in the contracting state या फिर other contracting state, ऐसे लिखा होता डीटीए में. अब मुझे यहां पर चेंज कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की जगह मॉरिशस लिख दीजिए, अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की जगह इंडिया लिख दीजिए. करिए the taxation on a permanent establishment which an enterprise of the contracting state, which is contracting state Mauritius, has in the other contracting state India I shall not be less favorably levied in that other contracting state India than the taxation levied on the enterprise in the other state India carrying on the same activities in the same circumstances. यानी आर्टिकल 24 कहता है कि अगर मॉरिशस कंपनी की इंडिया में पी है तो उस पी पे जो टैक्स लगाएंगे आप वो जो आप इंडियन कंपनी में लगाते हैं उससे कम फेवरेबल नहीं होना चाहिए. अगर एक्सप्लेनेशन वन नहीं आते तो क्या होता, 30% टैक्स लगता. बट एक्सप्लेनेशन वन क्या कहती है कि जो चार्ज ऑफ टैक्स फॉरेन कंपनी पर है 40% उसे हम लेस फेवरेबल नहीं मानेंगे देन टैक्स ऑन द इंडियन कंपनी. हाउएवर द ईयू कंप्यूटेड टैक्स ऑन द इंडियन ब्रांच एट द रेट्स एप्लीकेबल टू द फॉरेन कंपनी दैट इज 40% इज द एक्शन ऑफ ईयू इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. यस Under section 90 subsection 2 where the central government has entered into an agreement for avoidance of double taxation with the government of any country outside India then in relation to the assessee to whom the agreement applies the provisions of the income tax act shall apply to the extent they are more beneficial to the assessee. Thus, in view of paragraph 2 of Article 24, it appears that Indian branch of Cosmos Limited, incorporated in Mauritius, is liable to tax in India at the rate applicable to domestic company, that is 30%, which is lower than the tax applicable to the foreign company. However, how are you? Explanation 1 to section 90 clarifies that charge of tax in respect of a foreign company at a rate higher than the rate
एट विच डोमेस्टिक कंपनी इज चार्जेबल शैल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल चार्ज और लेवी ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फॉरन कंपनी. इन व्यू ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन द एक्शन ऑफ यू इन लेविंग 40% टैक्स इज देयरफॉर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. क्लियर है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे. तो आपको जो इंस्टीट्यूट का नया मेटल आ रहा है उसमें मेन जो टेक्स्ट है डीटीए का उसमें बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन कॉपी की हुई है, सेम ही आंसर है. वापस आ जाइए. पेज 133 पर बताइए डीटीए में कोई टर्म है उसका मीनिंग आप कहां से लेंगे? अगर डीटीए में डिफाइंड है फिर तो डीटीए से लेंगे. अगर सपोज डीटीए में डिफाइंड नहीं है देन इनकम टैक्स एक्ट. अगर ना तो एग्रीमेंट में डिफाइंड है ना ही इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है देन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई. सेंट्रल गवर्नमेंट By issuing a notification can define that term. Subsection 3 देखिए पेज 133 पर. Any term used but not defined in the Income Tax Act or the agreement referred in subsection 1 shall, unless the context requires and is not inconsistent with the provisions of the Income Tax and the DTA, have the meaning assigned to it in the notification issued with the central government इन द ऑफिशियल गैजेट इन दिस बिहाफ. तो पहले तो आप डीटीए से मीनिंग लेंगे, वहां नहीं है तो इनकम टैक्स एक्ट से लेंगे, वहां नहीं है देन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से डिफाइन करेगी. यहां पर भी एक लिटिगेशन आ गई. देखिए डीटीए एंटर हुआ 1/4/2010 को और गवर्नमेंट ने एक टर्म डिफाइन की बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट ऑन 5 मई 2020. अब बताइए मीनिंग कब से होगा? जिस दिन नोटिफिकेशन आई उस दिन से या जब से एग्रीमेंट एंटर किया गया? लिटिगेशन का इस पॉइंट पर लॉ अमेंड किया गया कि ये जो नोटिफिकेशन से टर्म डिफाइन की गई है इसका मीनिंग हम लेंगे फ्रॉम द डेट द एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इन टू बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट. पेज 134 एक्सप्लेनेशन 3 और 4 पढ़िए. For the removal of doubts, it is hereby declared that where any term is used in the agreement entered into subsection 1 and is not defined under the agreement or the act.
but has assigned a meaning to it in the notification issued under subsection 3, and the notification issued thereunder being enforced, then meaning assigned to some such term shall be deemed to have effect on the date on which the agreement came into force. बताइए, तो जब से एग्रीमेंट फोर्स में आया था तब से ये टर्म डिफाइंड मानी जाएगी, नॉट फ्रॉम द डेट द नोटिफिकेशन वॉज इश्यूड. फोर, फोर में ये बता रहे हैं कि मीनिंग आप कैसे लेंगे. नंबर वन लेंगे फ्रॉम द मीनिंग, नंबर वन डीटी से लेंगे, नंबर टू इफ नॉट डिफाइंड इन डीटीए देन आईटी एक्ट, थ्री और इंस्टीट्यूट ने अपने मेटेरियल में इसका चार्ट बना दिया है आधे पेज का. इफ not defined in DTA and IT Act, then as per notification, ये serious मतलब ये serial follow करेंगे आप. Okay, analysis देखिए, कुछ रह गया था हमारा. पॉइंट फाइव देखिएगा, हमने पढ़ा था या नहीं. रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग एक्सप्लेनेशन वन, सम टैक्स ट्रीटीज विद फॉरेन गवर्नमेंट्स प्रोवाइड दैट इनकम ऑफ द फॉरेन कंपनी शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया एंड टैक्स शैल बी लेविड एट अ रेट व्हिच इज नॉट लेस फेवरेबल देन not less favorable charge in respect of such foreign company. Some courts held that 40% tax on foreign company is less favorable charge than domestic company and the tax should be 30% on such foreign companies. To overrule these judgments, explanation 1 lai gai jo kehti hai ki 40% tax on foreign company less favorable nahi manenge hum than domestic company. Woh jo bhi maine cosmos ka question number 10 karaya tha. क्लियर है आप लोग? ओके. सेक्शन 90A, सेक्शन 90A कुछ नहीं होता. सेक्शन 90 मैंने दिया नहीं है, अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे ना बिल्कुल सेम कॉपीड है एज सेक्शन 90. सेक्शन 90A इज अ डिट्टो कॉपी ऑफ सेक्शन 90. मैंने छोटा सा कर दिया यहां पर, बट बेयर एक्ट में देखेंगे तो 100% सेम है. 90A जानने की जरूरत नहीं है, फिर बताता हूं आपको क्या होता है. कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई एंटिटी है, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की कोई एंटिटी है, इन एंटिटीज के बीच एग्रीमेंट होता है और वहां लिखा होता है कि टैक्स नहीं लगाया जाएगा, फिर दोनों गवर्नमेंट्स इस एग्रीमेंट को क्या करती हैं, अडॉप्ट कर लेती है. थोड़ा सा बता देता हूं आपको, थोड़ा सा 5 मिनट. आपको शायद सुना नहीं होगा आपने, 5 साल पहले ट्रंप के आने से पहले, जब ट्रंप प्रेसिडेंट था उससे पहले, यूएस ने इंडियन बासमती का मतलब जो इंडिया से बासमती चावल एक्सपोर्ट होता था यूएस में उसको रोक दिया था. सो इंडिया जो बासमती चावल यूएस एक्सपोर्ट करती थी तो यूएस ने उसे बैन लगा दिया था.
इसलिए बैन लगाया था कि जब यूएस वाले अपना ग्रेन, जो आटे वाला ग्रेन होता है, अपना ग्रेन इंडिया में बेचना चाहते हैं, इंडिया नहीं बेचने देती, इंडिया उस पर 200% कस्टम ड्यूटी लगा देती है ताकि इंडियन फार्मर्स प्रोटेक्टेड रहे। यूएस ने कहा ये क्या मजाक है, अपना चावल आप भेजते हैं, हम कोई ड्यूटी नहीं लगाते, हमारा फूड ग्रेन आता है आप 200% कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। तो यूएस ने कहा कि हम ट्रेड रोक देंगे आपके साथ, और यूएस ने पहला स्टेप लिया था, बासमती चावल रोक दिया था। आपने सुना होगा फिर WTO आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिग्नेचर किए थे इंडिया ने, बेसिकली कुछ ऐसी बातें थी। तो अब क्या है, इंडिया की तरफ से एक सीड कॉरपोरेशन बनी, यूएस की तरफ से एक सीड कॉरपोरेशन बनी, और इनमें एग्रीमेंट्स हुए कि हम अगर चावल एक्सपोर्ट करेंगे आप कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, और ये अगर कोई एक्सपोर्ट करती है इंडिया, नो टैक्सेस, नो ड्यूटीज एटसेट्रा। सो इस एग्रीमेंट को फिर क्या करती है गवर्नमेंट, अडॉप्ट कर लेती है और उसे हम DTA मान लेते हैं। सो 90 ये होता है, छोड़ दीजिए। ठीक, सेक्शन 91 में आपको बहुत डिटेल में करा चुका हूं। पेज 139 पर आइए। फॉरेन कंट्री स्टेट्स में कहां बटी हुई है बताओ? अगर यूएस के साथ DTA तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उस पर लगेगा वो। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ पी देखिए, सुनिए प्लीज, ये मैं इसलिए करा रहा हूं पेपर 7 में क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑल्दो ये इश्यूज पेपर 6C के हैं, बट आपका जो स्टडी मटेरियल है पेपर 7 का, उसमें भी सारे इश्यूज डाल दिए गए हैं, और अब पास के क्वेश्चंस करिएगा, उसमें सब लगातार पूछे जा रहे हैं। देखिए, जहां तक रॉयल्टी की बात है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की बात है, इंटरेस्ट की बात है, अगर फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट अर्न करते हैं इंडिया से, फिर तो पी नहीं भी है तब भी टैक्सेबल इंडिया में, सोर्स रूल। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत करा पाऊंगा आपको। सुनिए, जैसे आपने पढ़ा था ना रॉयल्टी के केस में, कि अगर फॉरनर की इंडिया में पी है फिर तो 44DA लग जाएगा, फिर तो उस पी के प्रॉफिट निकाले जाएंगे, प्रॉफिट एक्सपेंसेस अलाउ कर दिए जाएंगे सारे, नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। जितने DTA हैं उन सब के आर्टिकल 7 यही कहते हैं, वो तो जनरल बात करते हैं कि फॉरनर का अगर इंडिया में पी है, कोई भी बिजनेस हो, ये 3 नहीं, कोई भी बिजनेस हो, अगर इंडिया में पी है फिर तो उस पी के बिजनेस प्रॉफिट निकाले जाएंगे, सारे एक्सपेंसेस अलाउ कर दिए जाएंगे, नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, और यही बात इंडियन इनकम टैक्स एक्ट कहता है हमारा। ठीक, अच्छा एक मिनट, लेट मी प्लीज। देखिए मुझे क्या, आपको बिल्कुल जीरो से लेके आना है, तो मेरी मुसीबत समझिए, मुझे जीरो से एक बल एक्सपर्टेबल कंसेप्ट लेके आना आपको, तो लेट मी प्लीज। तो DTA के मतलब DTA कहता है, वैसे आर्टिकल 7 होता है कि अगर फॉरेन कंपनी की इंडिया में पी है तो इस पी के जो पी को जो प्रॉफिट्स एट्रिब्यूटेबल हैं
वो टैक्स किए जाएंगे इंडिया में और उसको निकाला जाएगा ऑन सम रीजनेबल बेसिस, इंडियन एक्सपेंसेस अलाउ कर दिए जाएंगे, ये डीटी कहता है। सेक्शन 9 कहता है, जो मैंने कराया नहीं, सब क्लॉज वन कहता है कि अगर फॉरनर का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो इस बिजनेस कनेक्शन से जो प्रॉफिट्स आएंगे वो टैक्सेबल होंगे इंडिया में। यानी डीटी बात करता है पीई की, सेक्शन 9 बात करता है बिजनेस कनेक्शन की। ये बहुत वाइड है। ये बहुत नैरो है। ब्रांच है आपकी, ऑफिस है आपका, इस तरह की बातें हैं। ठीक है, कोशिश करिए प्लीज। फॉरनर की इंडिया में पी है तो बिजनेस कनेक्शन भी माना जाएगा। अगर पी है फिर तो बिजनेस कनेक्शन माना ही जाता है, फिर तो टैक्स लगेगा। फॉरनर का बिजनेस कनेक्शन प्रूव हो जाता है बट पी एस्टैब्लिश नहीं होती, पीई प्रूव नहीं हो पाती, उस केस में टैक्स लगेगा या नहीं। आराम से सोचिए, आराम से, आई हेल्प यू। डीटीए, इनकम टैक्स एक्ट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल विल प्रिवेल। अब क्या है, फॉरनर का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, सेक्शन 9 के हिसाब से टैक्सेबल हो गया, बट डीटीए के हिसाब से पी एस्टैब्लिश नहीं होती। और बिजनेस प्रॉफिट डीटीए में तभी टैक्सेबल होंगे जब पी एस्टैब्लिश होगी। क्या होगा इस केस, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? दैट्स द समरी, दैट इज व्हाट यू रिक्वायर टू नो। कंसेप्ट ऑफ पी, जो आर्टिकल 5 होते हैं डीटी के, वो डिफाइन करते हैं पी को कैसे, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, माइन, ऑयल, गैस वेल, क्वारी, अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूड्स। तो डीटीए कहता है कि पीई का मतलब होता है ब्रांच आपकी, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है, ये है। जबकि आप पढ़ेंगे बिजनेस कनेक्शन में, अगर मेरे कोई ऑर्डर्स इंडिया में एग्जीक्यूट करता है मेरे बिहाफ पर तो बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। करेंगे इसे प्लीज, क्योंकि मैं सब एक साथ चीजें नहीं उठा सकता। तो बिजनेस कनेक्शन आप देखेंगे, अगर ऑफिस नहीं भी है, जैसे मैं फॉरनर हूं, आप मेरे बिहाफ पर कस्टमर ला रहे हैं, ऑर्डर ला रहे हैं, तो आप मेरे बिजनेस कनेक्शन बन जाते हैं। पढ़ेंगे बिजनेस कनेक्शन में, बट अभी इतना काफी है। पीई एक नैरो वर्ड है, इट मींस प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ऑफिस, प्लेस ऑफ वर्क, ब्रांच ऑफिस, वर्कशॉप, क्वेरीज, माइंड वगैरह। डीटीए इस कंसेप्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, द डीटीए प्रोवाइड एट इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी रिसीव फ्रॉम इंडिया शैल बी टैक्सेबल ओनली इफ द एनर फॉरेन कंपनी हैज अ पी इन इंडिया। द प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू सच पीई शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। द डीटीए देयरफॉर प्रोवाइड्स दैट इफ द नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी डज नॉट हैव अ पी इन इंडिया देन इनकम अर्नड इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी। द अबव रूल शैल अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस इनकम एक्सेप्ट रॉयल्टी, एफटीएस एंड इंटरेस्ट।
तो बाकी बिजनेस इनकम फॉरनर की इंडिया में टैक्सेबल तभी हो सकती है अगर इंडिया में उसकी पी एस्टैब्लिश हो जाती है। सेक्शन 911 क्या कहता है जो मैंने बताया था आपको, अगर बिजनेस कनेक्शन है नॉन रेजिडेंट का, उस बिजनेस कनेक्शन से जो इनकम एट्रीब्यूट होगी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। सेक्शन 911 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी इनकम अराइजिंग टू नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। द टर्म बिजनेस कनेक्शन इज वेरी मच वाइडर देन द वर्ड पीई यूज इन डीटीए। देखिए अगर डीटीए है, इधर देखिएगा प्लीज, इधर देखिएगा प्लीज, अगर डीटीए है और पीई एस्टैब्लिश हो जाती है फिर क्या होगा, टैक्सेबल इन इंडिया, प्रॉफिट्स ऑफ पीई टैक्सेबल इन इंडिया। अगर पी नहीं हुए एस्टैब्लिश होती बट बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है तभी टैक्सेबल नहीं होगा। सो पहले केस में इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया एज पर डीटीए, अगर पी एस्टैब्लिश नहीं होती इनकम इज नॉट टैक्सेबल एज पर डीटीए नाउ, इवन इफ देयर इज अ बिजनेस कनेक्शन बट देयर इज नो पी, सेक्शन 911 विल नॉट अप्लाई सिंस डीटीए प्रोवाइड्स दैट इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया इन एब्सेंस ऑफ पी एज पर सेक्शन 90 डीटीए इनकम टैक्स एक्ट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल शैल अप्लाई। अगर डीटीए नहीं है फिर तो बिजनेस कनेक्शन देखेंगे आप, बिजनेस कनेक्शन है तो टैक्सेबल है, नहीं है तो टैक्सेबल नहीं है। नहीं नहीं, दिस इज ओनली फॉर बिजनेस इनकम, दिस रूल इज ओनली फॉर बिजनेस इनकम। डीटीए में ना कैबियंस का अलग आर्टिकल होता है, डिविडेंड का अलग आर्टिकल होता है। सो हर डीटी में सैलरी का अलग आर्टिकल होता है, पर्सनल इंडिपेंडेंट सर्विसेज का अलग आर्टिकल होता है, कैप गेन्स डिविडेंड्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज उसके अलग आर्टिकल होते हैं। ये जो आर्टिकल होता है सेक्शन आर्टिकल 7 इट्स ओनली फॉर बिजनेस प्रॉफिट्स अदर देन फ्रॉम दीज थ्री, क्योंकि इसके लिए डीटी में अलग से क्लॉजेस होते हैं, यहां पी होना मस्ट नहीं होता। क्लियर है? देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको ढंग से समझा दूं। एक मिनट, इस चैप्टर को छोड़ना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। आपकी जो इंस्टीट्यूट की बुक है पेपर 7 की, उसमें एक चैप्टर है अराउंड 20 पेजेस का, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशंस। मैंने वो चैप्टर मैं आपको नहीं कराना चाहूंगा, बट उसमें से जो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस मैंने बना दिए। अगर आप पेपर 6 ही कर रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम ये बहुत डिटेल में करेंगे वहां पर, बट पेपर 7 के लिए इसमें से 4-5 नंबर आ जाते हैं इन तीन चैप्टर्स में। तीन चैप्टर है, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज और एक और है उसके नेक्स्ट, तो उसमें से 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं वो चैप्टर्स ना करा के उनके क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूं। इधर देखिएगा, डीटीए कहता है कि आप स
सपोज ये ठीक है, आपकी इनकम उस कंट्री में टैक्स होगी जिसके आप रेजिडेंट हैं। सपोज डीटी कहता है ये इनकम उस कंट्री में टैक्स होगी जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हैं। अच्छा, सभी डीटीए में लिखा होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे लेंगे हम? एज पर द डोमेस्टिक टैक्स लॉज ऑफ दैट कंट्री। समझ में आ रहा है ना? सो डीटीएस कहते हैं कि ये इनकम टैक्सेबल होगी मिस्टर ए के हाथ में उस कंट्री में जिसका वो रेजिडेंट है। सभी डीटीए कहते हैं रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कैसे निकाला जाता है? एज पर द डोमेस्टिक टैक्स लॉज ऑफ दैट कंट्री। अब एक मिस्टर सुब्रमण्यम है, 182 दिन यहां रहे, 183 दिन यहां रहे। इंडियन टैक्स लॉस के हिसाब से रेजिडेंट बन गए, मलेशियन टैक्स लॉस के हिसाब से रेजिडेंट बन गए। अब मैं किस स्टेट का रेजिडेंट मानू इसको? मैं एक दिन ज्यादा इसलिए मॉरिशस। आप कह रहे हैं कि एक दिन ज्यादा तो मॉरिशस का मानिए, नेक्स्ट ये हो जाता फिर अब इंडिया का मानेंगे? तो अगर आप दोनों कंट्री के टैक्स रेजिडेंट बन जाते हैं एज पर द डोमेस्टिक टैक्स लॉज ऑफ दैट कंट्री, तो डीटीए टाई ब्रेकर रूल प्रोवाइड करता है। डीटीए टाई ब्रेकर रूल्स प्रोवाइड करता है। पेज 340, क्वेश्चन 2 को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए पेज 340। क्वेश्चन 2, When does it become necessary to apply the tiebreaker rule? Rules. Discuss the manner of application of tiebreaker rules. DTAA provides that certain incomes are taxable in hands of recipient in the country of which he is a resident. Every jurisdiction, what is jurisdiction? Country. Every jurisdiction in its domestic tax laws prescribes a mechanism to determine the residential status of a person. Like Indian Income Tax Act कहता है, अगर 182 डेज और मोर का स्टे है यू बिकम अ रेजिडेंट। और डीटीए कहते हैं आप रेजिडेंट देखने के लिए कौन सा लॉ लगाएंगे? डोमेस्टिक लॉ ऑफ देयर कंट्री। इफ अ पर्सन इज कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, तो अब फिर क्या होता है? Series of tie-breaker rules are provided in model convention to determine single state of residence for the individual. आप ये model convention क्या होती है? You know, अभी बता दूंगा पहले ये कंप्लीट कर लें। तो सीरीज ऑफ टाई ब्रेकर रूल्स आप प्रेस्क्राइब इन द मॉडल कन्वेंशंस, जो बताती है कि आप सिंगल स्टेट ऑफ रेजिडेंस कैसे निकालेंगे, यानी टाई जोड़ी उसे ब्रेक कैसे करेंगे। पढ़िएगा नेक्स्ट रूल, टाई ब्रेकर रूल वुड बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर ओनली।
द फर्स्ट टेस्ट इज बेस्ड ऑन वेयर द इंडिविजुअल हैज अ परमानेंट होम. फिर आप देखिए उसका परमानेंट होम कहां है. बताइए परमानेंट होम का मतलब क्या, अपना खुद का घर होना चाहिए या किराए का भी हो सकता है? किराए का भी हो सकता है. तो देखा जाएगा वो परमानेंटली उसने होम कहां मेंटेन किया हुआ है. द फर्स्ट टेस्ट इज बेस्ड ऑन वेयर द इंडिविजुअल हैज अ परमानेंट होम, देयरफॉर ही शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट इन विच ही हैज अ परमानेंट होम अवेलेबल टू हिम. परमानेंट होम वुड मीन अ ड्वेलिंग प्लेस अवेलेबल टू हिम एट ऑल टाइम्स कंटिन्यूअसली एंड नॉट ओकेजनली एंड इंक्लूड्स प्लेस टेकन ऑन रेंट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एनी प्लेस टेकन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टे और फॉर टेम्पररी पर्पज मे बी फॉर रीजन सच एज शॉर्ट बिजनेस ट्रेवल, शॉर्ट हॉलीडे एक्सेट्रा इज नॉट रिगार्डेड एज परमानेंट होम. सो पहला क्राइटेरिया परमानेंट होम देखिए. अब इस मिस्टर सुब्रमण्यम का परमानेंट होम दोनों जगह है, मलेशिया में भी है, इंडिया में भी है. फर्स्ट रूल फेल हो गया. सेकेंड रूल, इफ दैट टेस्ट इज इनकॉन्क्लूसिव फॉर द रीजन दैट द इंडिविजुअल हैज परमानेंट होम अवेलेबल टू हिम इन बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स ही विल बी कंसिडर्ड अ रेजिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वेयर हिज पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस आर क्लोजर. जहां पर उसके पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशंस क्लोज है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट. यानी जहां उसके वाइफ एंड बच्चे रहते हैं. अब ऐसा भी हो सकता है उसने एक वाइफ इंडिया में रखी हुई है, एक वाइफ मलेशिया में रखी हुई है, तो ये टेस्ट भी फेल हो गया. तो सेकंड टेस्ट कहता है आप देखिए उसके क्या है, पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस आर क्लोजर. सपोज इसके मलेशिया में बहुत बड़े बड़े टी गार्डन्स होते, बहुत टी उगाता है मलेशिया में, बट इंडिया में नहीं है कुछ. यानी इकोनॉमिक रिलेशन कहां क्लोजर हो गए, मलेशिया में. बट जितने टी गार्डन्स मलेशिया में उतने इंडिया में भी इसके पास. दस प्रेफरेंस इज गिवन टू फैमिली, सोशल रिलेशंस, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टीज, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल. आप अगर इंडिया में मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है तो आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में आ गया. थ्री, तो पहला टेस्ट है परमानेंट होम, दूसरा टेस्ट है सेंटर ऑफ वाइल्ड इंटरेस्ट, उसमें देखेंगे आप पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस. उसमें बिजनेस कहां करते हैं आप, क्या पोस्ट आपने होल्ड की हुई है गवर्नमेंट में, वो सब देखेंगे. थ्री, इन केस वेयर द इंडिविजुअल हैज अ परमानेंट होम अवेलेबल टू हिम इन बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन इन विच स्टेट ही हैज हिज सेंट्रल वाइल्ड इंटरेस्ट or where the individual has no permanent home available to him in both the contracting state, preference shall be given to the contracting state where the individual has habitual abode. Means, जहां वो normally ज्यादा रहता है. पिछले 5-10 साल देखेंगे हम, so उसका habitual abode देखेंगे पिछले 5-10 साल की history.
इफ द इंडिविजुअल हैज हैबिचुअल अबोर्ट इन बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स और इज और इन नाइदर द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ही शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ऑफ विच ही इज अ नेशनल. फिर आप नेशनैलिटी देखिए. अगर नेशनल भी दोनों स्टेट्स का है, सो इफ द इंडिविजुअल इज अ नेशनल ऑफ बोथ और नाइदर द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, द मैटर विल बी लेफ्ट टू बी डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. क्या होता है, डीटी जब बनता है ना, जैसे डीटी बिटवीन इंडिया एंड यूएस, साइन तो डीटी प्रेसिडेंट ने किया होगा दोनों ने, बट कोई इशू आता है डीटीए का तो क्या आप ट्रंप के पास जाते होंगे, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास जाते होंगे? नो. सो इंडियन गवर्नमेंट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिठा देती है कि ये लोग इस पर बातें करेंगे डीटीए के बारे में. उधर यूएस वाले भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिठा देते हैं, दिस इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर डीलिंग विद डीटीए. तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है डीटीए में, वो डिसाइड करेंगी कि किस स्टेट के रेजिडेंट हैं आप. पहला परमानेंट होम, दूसरा सेंट्रल वाइट इंटरेस्ट, तीसरा हैबिचुअल अबोर्ड, चौथा नेशनलिटी. और अगर सब फेल हो जाते हैं देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज विल डिसाइड किस स्टेट के आप रेजिडेंट है. अभी एक दो क्वेश्चन कर रहा हूं पहले आपको मैं. अभी इस चैप्टर वापस आता एक मिनट के लिए. वापस आइए डीटी चैप्टर में, वापस आइए डीटी चैप्टर. पेज 144 क्वेश्चन 2 देखिएगा. एक्स जो है रेजिडेंट है इंडिया मलेशिया का, दोनों का रेजिडेंट है, ओन्स इमोबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल हाउस इन मलेशिया एंड इंडिया. ही हैज अर्नड इनकम ऑफ 50 लाख फ्रॉम रबर एस्टेट इन मलेशिया during the financial year 2021. He has also sold some property in Malaysia resulting in short term capital gain of 10 lakh. Uski India mein koi PE nahi hai. Kya lag raha hai aapko? Yahan par however he has derived income of 10 lakh from property let out in India and a house in Lucknow where he stays during his visit to India. Article 4 of DTA between India and Malaysia provides that whereas individual is a resident of both the contracting states, then it shall be deemed to be resident of the contracting state in which he has a permanent home available to him. If he has permanent home available in both the contracting states, then he shall be deemed to be resident of the contracting state with which his personal and economic relations are closer. Center of vital interest. You are required to state with reasons whether business income of X arising in Malaysia, isse Malaysian income bhi baat kar raha hai,
एंड कैप गेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मलेशिया बी टैक्स इन इंडिया। ये एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था बिल्कुल सेम उस पर। एक्स हैज परमानेंट होम इन बोथ इंडिया एंड मलेशिया, फर्स्ट टाई ब्रेकर रूल फेल हो गया। हाउएवर ही डज नॉट हैव एनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और बिजनेस इन इंडिया बट ही हैज रबर एस्टेट इन मलेशिया। तो यहां पर देखिए एक्स के पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस मलेशिया से ज्यादा क्लोजर है। हेंस एक्स शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट ऑफ मलेशिया इवन दो ही सेटिस्फाई सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट दैट इज अ रेजिडेंट। Thus, X is not liable to pay tax in India on the business income and cap gains arising in Malaysia for assessment year 21-22. What about incomes arising in India? क्यों नहीं होंगी? Indian incomes तो taxable होंगी होंगी। अगर आप NRB हैं, तो incomes earned in India taxable? यहां तो बात हो रही थी कि मलेशियन इनकम इंडिया में टैक्स होगी या नहीं। इंडियन इनकम्स शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ओके, जस्ट आउट ऑफ कंटेक्स्ट आपको थोड़ा रिलैक्स कर देता हूं। सिंगापुर एक बहुत छोटी सी कंट्री है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कंट्री। वहां एक बैंक है DBS, नाम सुना होगा शायद आपने, DBS सिंगापुर। ये एशिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया है और वर्ल्ड में रैंकिंग में आता ही है। तो सोचिए छोटी सी कंट्री जिनके पास अपना पानी भी नहीं है, वो पानी भी इंपोर्ट करते हैं। दे हैव नो नेचुरल रिसोर्सेस, द ओनली नेचुरल रिसोर्स दे हैव इज द ह्यूमन बींग्स, ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स। सो DBS सिंगापुर, सिंगापुर का सबसे बड़ा बैंक है, एशिया का भी सबसे बड़ा बैंक डिक्लेयर किया गया और वर्ल्ड में बेस्ट बैंक्स में नंबर रैंकिंग में आता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसके चेयरमैन हैं एक इंडियन, मिस्टर पीयूष गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। मिस्टर पीयूष गुप्ता है दिल्ली से जो इस बैंक के चेयरमैन हैं, और इस बैंक का चेयरमैन मींस फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर के बराबर। DBS की इंडिया में ब्रांच थी अभी तक। DBS इंडिया में बहुत छोटे तरीके से ऑपरेट कर रहा था और इसकी इंडिया में ब्रांच थी। लास्ट ईयर DBS सिंगापुर ने, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगले एक महीने बहुत सारी बातें सुनेंगे आप। मर्चर तो हुआ है बट और बड़े सारे कोर्ट केसेस पड़ गए हैं। सो लेट्स सी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आज ही आपको एक दो टॉपिक इस मॉड्यूल से करा दूं। आज ही एक दो टॉपिक जो कनेक्टेड है वो इस मॉड्यूल से करा दूं। DBS ने इस ब्रांच को इंडियन कंपनी में कन्वर्ट किया। सो नाउ DBS इंडिया लिमिटेड इज अ होली ओन सब्सिडियरी ऑफ DBS सिंगापुर। तो
ये जो ब्रांच थी डीबीएस की कन्वर्ट हुई 100% इंडियन कंपनी में, इस पर इन्होंने लॉ बना दिया था और लास्ट ईयर इस पर डिटेल्ड रूल्स ले गया आ गए थे। शायद गवर्नमेंट कुछ प्लानिंग करके बैठी हुई थी। सो हम चैप्टर 23 में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे प्लीज। डीबीएस की जो ब्रांच है उसने उसे सबसी में कन्वर्ट किया तो सारी टैक्स इंप्लीकेशंस माफ कर दी गई डीबीएस को। डीबीएस को कोई टैक्स नहीं लगेगा, एंश्योर किया गया लॉ बनाकर। इस लॉ पर डिटेल रूल्स लास्ट ईयर आ गए, आज कर लेंगे हम। विल स्टॉप हियर। कैन यू प्लीज स्टार्ट द क्लास। चलिए पहले डीटी की बात करते हैं, डीटीएम कर रहे थे उसे कंप्लीट करते हैं। आपने पढ़ा कि डीटीए में दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे की हेल्प करेंगी फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स। तो सपोज इंडिया और यूके का एग्रीमेंट है जहां टैक्स रिकवरी के लिए दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे की हेल्प करेंगे एज पर डीटीए। अब यूके गवर्नमेंट कहती है कि हमारा एक नेशनल आपकी कंट्री में आया हुआ है, उससे हमें 125 करोड़ रुपए वसूल करना है। अब ये रिकवरी कौन करेगा? मोदी करेगा। उसका मैकेनिज्म है सेक्शन 228A पेज 141। एग्जामिनर ने एक मिनट देखिएगा, नवंबर 18 में क्वेश्चन पूछा इस पर। रोज एन एलएलपी यूके कैरिड बिजनेस इन इंडिया अगेंस्ट विच अ डिमांड ऑफ 50 लाख फॉर असेसमेंट 1920 स्पेंडिंग। The LLP does not have any assets in India and has also closed the business. The TRO cannot recover such demand by having attachment of assets of Rose and LLP located in UK. UK company India आई, India business किया, पैसा कमाया, tax बन गया उसका, tax pay नहीं किया और कोई एसेट्स इंडिया में है नहीं, बिजनेस बंद करके भाग गई। अब ये कह रहे हैं कि इंडियन टैक्स रिकवरी ऑफिसर इंडिया में तो एसेट्स है ही नहीं तो रिकवरी नहीं कर सकता, तो जो यूके में एसेट्स है उससे रिकवरी कैसे करेगा? डीटी तो है, बट डीटी में तो इतना लिखा है कि दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे की हेल्प करेंगे रिकवरी में। इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म पेज 141 सेक्शन 228A में है। इसमें इन्हें कुछ दिक्कतें आ रही थी। फाइनेंस एक्ट 19 से अमेंडमेंट आई एंड दिस अमेंडमेंट इज नॉट येट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। दिस अमेंडमेंट इज नॉट येट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सीधा मेमोरेंडम पढ़ते हैं।
रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग रिकवरी ऑफ टैक्स एंड पर्सन ऑफ एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज डीटीएस. द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 228A ऑफ द एक्ट प्रोवाइड इंटर एलिया दैट वेयर एन एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ इनफोर्स इन दैट कंट्री एंड वेयर सच फॉरेन कंट्री सेंड्स सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ एनी टैक्स ड्यू अंडर कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ फ्रॉम अ पर्सन हैविंग प्रॉपर्टी इन इंडिया. तो यूके गवर्नमेंट ने एक टैक्स रिकवरी का नोटिस भेजा, यानी कोई यूके सिटीजन इंडिया में आके बस गया है, उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है. द बोर्ड सीबीडीटी रिसीव करेगा सर्टिफिकेट, सीबीडीटी यूके गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट रिसीव करेगा और इसको फॉरवर्ड करेगा किसको, टीआरओ इन हूज ज्यूरिसडिक्शन सच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स पर्सन ऑफ द एग्रीमेंट विद सच फॉरेन कंट्री. यानी सीबीडीटी ये सर्टिफिकेट किसको देगा रिकवरी के लिए, टीआरओ. कौन सा टीआरओ, वो टीआरओ जिसके ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी आती है, जिसका यूके पर्सन ओनर है. अब दिक्कत क्या आई होगी, प्रॉपर्टी की डिटेल्स नहीं मालूम, प्रॉपर्टी की डिटेल्स नहीं मालूम. वो तो जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी इंडियन अथॉरिटीज तो पता चलेगा प्रॉपर्टी कहां पर है. ठीक है, यानी ये जो लॉ लिखा हुआ है उसके हिसाब से अब बोर्ड रिकवरी करा ही नहीं सकता, बिकॉज उसको उस टीआरओ को देना है जिसके अंडर वो प्रॉपर्टी आ रही है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन रिकवरी ऑफ टैक्स एज पर ट्रीटी ऑब्लिगेशन विद द अदर कंट्री इट इज प्रपोज टू अमेंड द सेट सेक्शन सो एज टू प्रोवाइड फॉर टैक्स रिकवरी वेयर डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन आर नॉट अवेलेबल बट द सेट पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया. It is also proposed to amend the said section to provide a tax debt for tax recovery, where details of the property of the assessee in default under the Act are not available, but the said assessee is a resident in foreign country. Ulta case bhi provide kiya gaya. Section dekhiyega. Jo words in capital hai, capital N bold is the amendment. जो वर्ड्स कैपिटल बोल्ड में है यह अमेंडमेंट है. वेयर एन एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ इनफोर्स इन दैट कंट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री और एनी अथॉरिटी अंडर दैट गवर्नमेंट which is specified in this behalf in such agreement to send to the board a certificate for recovery of any tax due under such corresponding law from a resident or a person having any property in India. The board may forward such certificate to the tax recovery officer having jurisdiction over the resident or within whose jurisdiction such property is situated and thereupon such tax recovery officer shall proceed to recover the amount specified in the certificate in the manner in which he would proceed to recover the amount specified in the certificate drawn up under section 222 and remit any sum so recovered by him to the board after deducting his expenses इन कनेक्शन विद द रिकवरी प्रोसीडिंग्स. आगे देखिए स्पेस है ना,
पेज 143 यूज कर लीजिए। मिस्टर लोकेश रेजिडेंट इन इंडिया डिड बिजनेस इन यूके एंड अर्नड रुपीज 5 crores इन यूके। एज पर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके दैट इज डीटीए दिस इनकम इज टैक्सेबल इन यूके। मिस्टर लोकेश डज नॉट पे टैक्स इन यूके। अब बताइए यूके गवर्नमेंट क्या कर सकती है? यूके गवर्नमेंट प्रिपेयर्स टैक्स रिकवरी सर्टिफिकेट ऑफ रुपीज 1.5 crores ऑन मिस्टर लोकेश एंड सेंड्स टू सीबीडीटी। Mr. Lokesh has property in Mumbai. Mr. Lokesh has no property in India, no property in India. बताइए अमेंडमेंट से पहले क्या होता था? TRO having
jurisdiction over property in Mumbai will make recovery? और पहले अमेंडमेंट से पहले इस केस में रिकवरी हो नहीं पाती थी, इस वाले में लिखिए इस वाले में लिखिए Prior to amendment, recovery could not be made. After the amendment, kya hoga? The TRO having jurisdiction over Mr. Lokesh will make recovery. अब आप कहेंगे उस बस प्रॉपर्टी है ही नहीं तो रिकवरी कैसे करेगा? नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो टैक्स इवेडर्स होते हैं पैसा बीवी बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं, और जब इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो ये पाया जाएगा कि पैसा वाइफ के नाम है, वहां से रिकवरी करवा लेंगे. सो पहले टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि टीआरओ को केस दे ही नहीं पाते थे. रिकवरी के बाद टीआरओ क्या करेगा? तो अब किसको भेजेगा रिकवरी के लिए? सीबीडीटी, टीआरओ हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द रेजिडेंट और विद इन हूज जुरिसडिक्शन प्रॉपर्टी सिचुएटेड. और फिर रिकवरी करेगा, प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट इन द मैनर इन विच ही वुड प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट under section 222 and remit the sum so recovered to the board after deducting his expenses or board fair aage UK government ko bhej dega. Ulta case kya hoga? Nahi jo abhi humne question padha tha na, ye wala exam ka question, kya number tha? 16 क्वेश्चन आप देखिए डीटी पे कितने क्वेश्चंस हैं. पेज 166 रोज एन एलएलपी ऑफ यूके कैरेट बिजनेस इन इंडिया अगेंस्ट विद डिमांड ऑफ 50 लाख इज आउटस्टैंडिंग. एलएलपी डज नॉट हैव एनी एसेट्स इन इंडिया एंड हैज क्लोज द बिजनेस. द टीआरओ कैन नॉट रिकवर सच डिमांड बाय हैविंग अटैचमेंट टू द एसेट्स ऑफ रोज एन एलएलपी लोकेटेड इन यूके. आपसे पूछ रहे हैं क्या ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं. कह रहे टीआरओ रिकवरी नहीं कर सकता फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन यूके. यस नहीं कर सकता. उसे क्या करना पड़ेगा? अभी हम सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे. स्टेटमेंट इज करेक्ट, टीआरओ यूके एसेट्स से रिकवरी नहीं कर सकता.
TRO UK के एसेट से रिकवरी नहीं कर सकता। एज पर सेक्शन 228A अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 19 वेयर अ सेसेस इन डिफॉल्ट इज डीम्ड टू बी इंस्टेंस इन डिफॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स दैट TRO मे इफ द असेसियस प्रॉपर्टी इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, यूके में प्रॉपर्टी इसके पास, बींग अ कंट्री विद विच इंडिया हैज अ DTA or is a resident of that country forward to the CBDT a certificate drawn up by him under section 222 and the CBDT may take action thereupon as it may deem appropriate having regard to the terms of the agreement with that country. So Indian TRO kisko bhejega certificate recovery ka? CBDT ko. Phir CBDT kya karegi? According since India has an agreement with UK, the TRO cannot recover the demand by attaching the assets of Rose and NP, but has to forward to the CBDT a certificate drawn up by him under 222. CBDT then will then ask the UK government to make recovery of taxes as per the DTA. Subsection 2. अगर लोकेश को अपील करनी है टैक्सेस के अगेंस्ट तो यूके में करेगा बिकॉज यूके लॉ ने टैक्स किया उसे एज पर DTA. वेयर असेसी पेज 141 वेयर एन असेसी इन डिफॉल्ट और इज डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट In making the payment of tax, the TRO, if the assess is a resident of a country, जिस country के साथ DTA हमारा और has property in that country, नीरव मोदी विजय मेले इसमें आ जाएंगे, मेहुल चौकसी भी आ जाएगा इसमें कि इंडिया में ह्यूज डिमांड्स हैं, यूके में बंगलोज हैं, so, विजय मालिया तो बोर्ड को सर्टिफिकेट बना के देगा TRO और बोर्ड फॉरवर्ड करेगा किसको? फॉरेन गवर्नमेंट को, फॉरेन गवर्नमेंट रिकवरी करके देगी. तो DTA सारा कंप्लीट करिए, इसके सारे क्वेश्चंस करिए, ठीक है. DTA में से देखिएगा हर बार क्वेश्चन आता है, एवरी टाइम. नॉर्मली आप देखेंगे आइदर सेक्शन 90 और 91 दोनों में से क्वेश्चन आते जाता है. अभी हमारे पास टाइम कम है, शुड आई स्टार्ट वोडाफोन? बहुत इंटरेस्टिंग केस लगेगा आपको, कंक्लूड नहीं करूंगा. वोडाफोन जिसने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया इस केस ने, सुनते होंगे आप इतने साल से. वोडाफोन के सुनिए प्लीज, मॉडल मत देखिए. व्हाट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ वोडाफोन? इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द केस इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. उससे फर्क नहीं पड़ता, हम जो लॉ करें वो लॉ बन चुका है. ये लॉ क्यों बना ये देखिए. एक कंपनी है हचिसन इंटरनेशनल, हांगकांग में है एक कंपनी है हचिसन इंटरनेशनल हांगकांग, फॉरेन कंपनी है हांगकांग में
इनकॉर्पोरेट हुई, एक कंपनी है नहीं इसने, अच्छा हांगकांग भी टैक्स हेवन है, हांगकांग आपने देखा लिस्ट में टैक्स हेवन है वो, तो जब आप बिग फोर में जाएंगे ना आप सरप्राइज होंगे, सभी क्लाइंट्स जो आपके फॉरेन क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उनकी सब्सिडीज मिलेंगी आपको केमैन आइलैंड, मॉरिशस, हांगकांग, मकाओ, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, साइप्रस, लंबी लिस्टें मिलेंगी वहां पर आपको। जब आप पेपर सिक्स ही करेंगे वहां एक्शन प्लान्स देखेंगे, क्या एक्शन प्लान्स बनाए इन लोगों ने। चलिए, एक कंपनी है हचिसन इंटरनेशनल हांगकांग में, इसने एक 100% सब्सिडी कंपनी बनाई, वो बनाई केमैन्स आइलैंड में, मॉरिशस में। इस कंपनी का नाम है CGP इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। एक इंडिया में कंपनी है इसार, एक इंडिया में कंपनी है इसार, हचिसन उसमें 66.67% स्टेक लेना चाहता है। एक कंपनी है आपने सुना होगा रुयास ग्रुप, जैसे अंबानीज हैं उनके इक्विलेंट हैं, मतलब इक्विलेंट दोस्त हैं वैसे ये दोनों, रुयास एंड अंबानीज, सो रुयास ऑफ इसार ग्रुप। सो एक इसार वाले, जो इसार कंपनी है, इंडिया में मोबाइल फोन का बिजनेस चलाते हैं, मोबाइल नेटवर्क का, करोड़ों का बेस है, करोड़ों सब्सक्राइबर्स का बेस है। हचिसन इस इंडियन कंपनी में 66.67% स्टेक ले रही है, बहुत पहले ली थी उन्होंने। इस इंडियन कंपनी का नाम बदल के कर दिया गया हचिसन एसआर लिमिटेड। अब हचिसन हांगकांग ने इसके 66.67% शेयर लेने हैं, डील हुई है 10,000 करोड़ रुपए की, बहुत पुरानी बात है ये। वोडाफोन कैसे नहीं आया, वोडाफोन कैसे नहीं आया, सो रफली 20 साल पहले ऐसा हुआ, 20 साल पहले हचिसन ने इसकी 66.61% स्टेक लेनी थी। हचिसन हांगकांग ने क्या किया, केमैन आइलैंड में कंपनी बनाई 100% सब्सिडी, इसमें 10,000 करोड़ रुपए आ गए, इसने 10,000 करोड़ रुपए के शेयर्स इसके ले लिए, और इस कंपनी की स्टेक कितनी आ गई, 1/3 रुयास का हो गया एसआर ग्रुप का, 2/3 हचिसन सीजीपी का हो गया। अगले 10 साल इसने बिजनेस किया, जबरदस्त ग्रोथ कर गई। जब हचिसन आया था तो 1 करोड़ का कस्टमर बेस था इनके पास, और ग्रेजुअली 10 साल में इनके पास 10 करोड़ पब्लिक का बेस आ गया, सब्सक्राइबर बेस आ गया, बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, ठीक।
इस कंपनी में वोटिंग राइट्स हचिसन एक्सरसाइज करेगा थ्रू इट। डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा? हचिसन हांगकांग थ्रू सीजीपी। अपना ब्रांड नेम दे दिया उस करने के लिए, अपना ब्रांड नेम यूज करने के लिए दे दिया। ये बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से चल गया अगले 10 साल में। अगले 10 साल में बिजनेस बहुत ग्रो कर गया। एक कंपनी है वोडाफोन, इंटरनेशनल, जो इनकॉर्पोरेट हुई है कहां पर? नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स। सो नीदरलैंड में एक कंपनी है वोडाफोन जिसकी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। अब ये शेयर्स खरीदना चाहती है, ये वोडाफोन इस बिजनेस को खरीदना चाहती है। डील होती है ऑस्ट्रेलिया में, डील हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, यानी दोनों पार्टीज फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया आती है, दोनों पार्टीज फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया आती है। ऑस्ट्रेलिया में एग्रीमेंट किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में एग्रीमेंट किया जाता है। एग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है? वोडाफोन नीदरलैंड्स एंड हचिसन हांगकांग। एग्रीमेंट कहां हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ध्यान से डील की थी इन लोगों ने, बहुत ध्यान से डील की थी इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के डील हुई, सब कुछ इंडिया से बाहर हो रहा है। जहां हचिसन कहती है हम सीजीपी के शेयर्स, हचिसन हांगकांग सीजीपी के शेयर्स दे देगी किसको? वोडाफोन को 100% शेयर्स। और वोडाफोन हचिसन को इसके बदले में डॉलर्स देगा, जिसको अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं वो आता है 60,000 करोड़। 12 साल पुरानी बात है ये। यू कैन थिंक व्हाट इज 60,000 करोड़ टुडे, व्हाट इट वाज 12 इयर्स बैक। तो देखिए क्या हो रहा है। अब हचिसन हांगकांग वोडाफोन को सीजीपी के शेयर्स बेच रहा है और वोडाफोन हचिसन इंटरनेशनल को 60,000 करोड़ दे रही है। डील हो गई, डील हो गई, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इंडिया में जो एओ बैठा था, इंडिया में जो एओ बैठा था, उसने कहा जी देखिए व्हाट इज सोल्ड इज द इंडियन बिजनेस, जो बेचा जा रहा है वो कित क्या बेचा जा रहा है? इंडियन बिजनेस बेचा जा रहा है। जो 2/3 शेयर है हच इंडिया में वो बेचा जा रहा है। What is sold is the 66.667% होल्डिंग ऑफ हच इंडिया, और ये वाले शेयर्स इंडिया में लोकेटेड है।
ये वाले शेयर्स इंडिया में लोकेटेड है एंड एज पर इंडियन एओ व्हाट इज सोल्ड इज शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी एंड देयरफॉर एओ कहता है कैपिटल गेन बना 50,000 crores, 20% टैक्स रेट है, ऑफ मार्केट डील है, 10,000 crore का टैक्स बनता है। एओ सेक्शन 195 इन्वोक करता है, एनी पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया उस पर टीडीएस काटेंगे। पेमेंट मेड बाय वोडाफोन टू नॉन रेसिडेंट पेमेंट टैक्सेबल इन इंडिया एंड देयरफॉर वोडाफोन शुड हैव डिडक्टेड टीडीएस ऑफ 10,000 crores। फैक्ट समझ में आ गए? फैक्ट समझ लीजिएगा। आपको शायद एक कहीं दिक्कत आई थी वोडाफोन में, आप कह रहे थे ना वोडाफोन का केस नहीं कर पाया था मैं क्वेश्चन, आई थिंक ये कह रहे थे चैप्टर 2 या 3 में, चैप्टर सेकंड में लास्ट क्वेश्चन ये नहीं कर पाए थे बिकॉज उसमें वोडाफोन का कुछ लिखा हुआ है। कर लेंगे, वो भी आप खुद कर लेंगे, एक बार समझ जाएंगे। सो अब इंडियन एओ कहता है, ये सेक्शन 195 कहता है, मैंने तभी तो 195 नहीं कराया अभी तक, तभी तो मैंने 195 नहीं कराया आपको। टू सेवेंटी सेवन पर इधर देख लीजिए, आप मत खोलिए। सेक्शन 195 कहता है एनी पर्सन वोडाफोन नीदरलैंड्स वाला, वोडाफोन नीदरलैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ नॉन रेजिडेंट हचिसन हांगकॉन्ग एनी इंटरेस्ट रॉयल्टी अदर सम चार्जेबल अंडर द एक्ट शेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट पेमेंट डिडक्ट इनकम टैक्स एट रेट इन फोर्स। रेट इन फोर्स है कैप गेन्स पर 20%, ईओ कहते जी 195 आपने वॉयलेट कर दिया है, आपको 10,000 crore का टीडीएस काटना चाहिए था आपको, मतलब वोडाफोन को। याद करिए टीडीएस का चैप्टर, अगर टीडीएस नहीं काटते आप तो क्या होता है, 201 में असेसिन डिफॉल्ट बना देते हैं। एओ ने वोडाफोन को 201 का शो कॉज नोटिस दिया कि आपने टीडीएस नहीं काटा एंड देयरफॉर यू आर असेसिंग डिफॉल्ट, शो कॉज व्हाई आई शुड नॉट लेवी अ पेनल्टी ऑफ 10,000 crores अपॉन यू। वोडाफोन ने शो कॉज नोटिस चैलेंज किया बॉम्बे हाई कोर्ट में, वोडाफोन ने शो कॉज नोटिस चैलेंज किया इन अ रिट पेटिशन बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट। वोडाफोन कहता है देखिए व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी आर अ फॉरेन कंपनी, वी हैव डेल्ट विद अनदर फॉरेन कंपनी, द डील टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, व्हाट इज सोल्ड इज द शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ टैक्स इन इंडिया। वोडाफोन ने इंडिया के बेस्ट लॉयर्स लगाए और लॉयर्स ने मुंबई हाईकोर्ट में आर्ग्यू किया कि वोडाफोन इज अ फॉरेन कंपनी, इट हैज मेड अ डील विद अनदर फॉरेन कंपनी नीदरलैंड कंपनी
डीलिंग विद हांगकांग कंपनी, डील टेकिंग प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट इज सोल्ड इज द शेयर्स ऑफ मॉरिशस कंपनी, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ टैक्स इन इंडिया एंड वोडाफोन ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा इसे शोकस को क्वेश करिए, बट बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा एओ परफेक्टली करेक्ट है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कोई क्या इस शेयर के 60,000 करोड़ देगा? नो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा व्हाट इज सोल्ड इज नॉट रियली द शेयर्स ऑफ सीजीपी, व्हाट इज सोल्ड इज दिस बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया जो अब 1,00,000 करोड़ का हो गया है, जिसके लिए 60,000 करोड़ दिए गए हैं। सो बॉम्बे हाईकोर्ट हेल्ड व्हाट इज सोल्ड इज नॉट रियली द शेयर्स ऑफ सीजीपी, व्हाट इज सोल्ड इज द बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया एंड देयरफॉर सेक्शन 911 एक्रूवल कंसेप्ट, एसेट लोकेटेड इन इंडिया सोल्ड एंड देयरफॉर कैपिटल्स आर टैक्सेबल इन इंडिया एंड बॉम्बे हाईकोर्ट हेल्ड दैट एओ हैज राइटली इशूड द शो कॉज नोटिस अंडर 201। जैसे ही बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आया, ईओ ने 201 का ऑर्डर पास कर दिया 10,000 करोड़ का। क्लियर। वोडाफोन ने इस बॉम्बे हाईकोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की। बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडियन जुडिशरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडियन जुडिशरी, कहा जाता है कि वोडाफोन ने जजेस खरीद लिए थे। कहा जाता है कि वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस खरीद लिए थे। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी, एक लॉयर है ना सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, उसने केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ वोडाफोन। सरप्राइजिंगली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, फॉरेन कंपनी मेकिंग अ डील विद अनदर फॉरेन कंपनी, डील टेकिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया, व्हाट इज सोल्ड इज शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली ये वर्ड्स यूज किए, व्हाई शुड द इंडियन एओ पोक हिज नोज इन दिस डील। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे हिसाब से कोई इनकम इंडिया में अराइज नहीं हो रही है, फॉरेन कंपनी डीलिंग विद अनदर फॉरेन कंपनी, डील टेकिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया, व्हाट इज सोल्ड इज द शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी एंड देयरफॉर नो इनकम अराइज इन इंडिया। क्लियर कट केस जहां जुडिशरी बिक गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब गलत है, कुछ टैक्सेबल नहीं है। ये बात है दिसंबर 2011 की। कौन थे? प्रणब मुखर्जी वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ही सेड इस जजमेंट को हम ओवर रूल करेंगे। सो प्रणब मुखर्जी ने इस जजमेंट को फाइनेंस एक्ट 12 से रिट्रोस्पेक्टिवली ओवर रूल किया। वेरियस अमेंडमेंट्स लॉ में लाई गई, वेरियस अमेंडमेंट्स लॉ में लाई गई। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, वहां इन्होंने लॉ प्रोवाइड किया कि कैपिटल एसेट शैल इंक्लूड राइट्स ऑफ हचिसन हांगकांग इन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट।
राइट ऑफ कंट्रोल, यानी डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट को चेंज किया गया, जो मैंने आपको कराया नहीं था अभी तक, आपको कराया नहीं था, कहा था वोडाफोन में कराऊंगा। कैपिटल एसेट में इंक्लूड किया गया राइट्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट ऑफ कंट्रोल, एनी अदर राइट्स इन अ कंपनी। यानी कि ये जो राइट है हचिसन हांगकांग का इस कंपनी को कंट्रोल करने का, इस कंपनी को मैनेज करने का, वोट करने का, दैट इज अ कैपिटल एसेट। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर चेंज की गई कि अगर ये जो कैपिटल एसेट है राइट, राइट टू मैनेज, राइट टू कंट्रोल, किसी भी तरह से ट्रांसफर हो जाता है, चाहे किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर होने से ट्रांसफर होता है, बट अल्टीमेटली जो राइट टू कंट्रोल है, राइट टू मैनेज है, वो ट्रांसफर हो जाता है, चाहे एग्रीमेंट इंडिया में हुआ हो, एग्रीमेंट इंडिया से बाहर हुआ हो, हम इसे ट्रांसफर मानेंगे। यानी कि कैपिटल गेन्स इंडिया में टैक्सेबल कर दिया गया, सेक्शन 911 मैंने आपको नहीं कराया अभी तक सेक्शन, तो आप लोग अप्रिशिएट करेंगे मैं कुछ छोड़ रहा हूं तो उसके पीछे वजह होती है। सेक्शन 911 उसमें लिखा है कि अगर एसेट लोकेटेड इन इंडिया ट्रांसफर होता है तो कैप गेन्स इंडिया में माना जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन 91 में इन्होंने अमेंडमेंट डाली कि शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, शेयर्स ऑफ सीजीपी विल बी डीम्ड टू बी लोकेटेड इन इंडिया, शेयर्स ऑफ सीजीपी विल बी डीम्ड टू बी लोकेटेड इन इंडिया अगर ये शेयर्स अपनी सब्सटेंशियल वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, करते हैं फ्रॉम द एसेट्स इन इंडिया। सिंपल वर्ड्स, सेक्शन 91 चेंज हुआ, उसमें लिखा गया कि सेक्शन 91 कहता है कि अगर एसेट लोकेटेड इन इंडिया बिकता है तो कैप गेन इंडिया में टैक्सेबल होंगे। आप ये कह रहे जो मॉरिशस कंपनी के शेयर है इसे हम इंडिया में लोकेटेड मान लेंगे, अगर ये शेयर्स अपनी सब्सटेंशियल वैल्यू किससे डिराइव करते हैं, एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, अगर ये शेयर्स अपनी मेन वैल्यू डिराइव करते हैं, लॉ में सब्सटेंशियल मेन वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, तो इन शेयर्स को हम डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया मानेंगे। एंड देयरफॉर वोडाफोन को हमने पूरी तरह से कस दिया, ये जो बेचा कैपिटल एसेट है, राइट टू मैनेज, राइट टू कंट्रोल, ट्रांसफर के डेफिनेशन में लिख दिया कि अगर बाहर भी किया था आपने, इंडिया में टैक्सेबल कर देंगे। सेक्शन 91 जो कहता है कि अगर एसेट लोकेटेड इन इंडिया उसको बेचते हैं हम, कैप गेन इंडिया में टैक्सेबल होगा, वहां लिख दिया गया, एक एक्सप्रेशन 5 डाल दी गई कि शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी इंडिया में लोकेटेड माने जाएंगे अगर वो शेयर्स अपनी मेन वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। ठीक, ओके। सेक्शन 195 चेंज किया गया,
195 में लिखा गया कि एक्सप्लेनेशन डाली गई, इट इज क्लैरिफाइड दैट ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद सबसेक्शन 1 एंड टू मेक डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर 195 अप्लाइज टू ऑल पर्संस, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, वोडाफोन हो तभी काटना पड़ेगा उसे, वेदर और नॉट नॉन रेजिडेंट हैज एनी रेजिडेंस प्लेस ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया और एनी अदर प्रेजेंस इन व्हाटसोएवर मैनर इन इंडिया और नॉट। सो 195 में एक्सप्लेनेशन डाली गई कि आप कोई भी हो, अगर पेमेंट एनआर को कर रहे हैं, आप कहीं भी लोकेटेड हो, आपका इंडिया में प्रेजेंस है या नहीं इमेटीरियल, इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है या नहीं इमेटीरियल, इंडिया कभी आए नहीं इमेटीरियल, टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन है आपकी। बताइए। सो बेसिकली इस तरह का लॉ बना। अब आपने सुना होगा भी आजकल वोडाफोन ने इस लॉ को चैलेंज कर दिया था इन इंटरनेशनल कोर्ट्स। अब इंटरनेशनल कोर्ट्स ने कहा जो वोडाफोन के केस में डिसीजन दिया गया गलत है, बट उससे हमारा इंडियन लॉ थोड़ी चेंज होगा, लॉ तो बन चुका, हमारा लॉ तो बना चुके हम। सो बेसिकली जो इंटरनेशनल कोर्ट में इशू किया है ना, वो ये किया है कि रेट्रोस्पेक्टिवली आप लॉ कैसे चेंज कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ने ये कहा है कि वोडाफोन के वकीलों ने तो उस समय का लॉ था वो पढ़ के वो दी थी एडवाइस, आप अब लॉ चेंज करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कैसे कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि वोडाफोन को 10,000 करोड़ नहीं देने की जरूरत। बट उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा लॉ तो बन गया। और देखिए ये जो प्रणब मुखर्जी ने किया था बिल्कुल सही किया था, अदरवाइज आज जितनी मर्जर्स एक्विजिशंस हो रही थी इस अमेंडमेंट से पहले लोग क्या करते थे, यही रूट बनाते थे, खोलिए कंपनी केमैन आइलैंड में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 100% सब्सिडी बनाई, उससे शेयर ले लिए, मतलब उस सब्सिडी के शेयर बेच दिए। सो वोडाफोन में ये अमेंडमेंट्स आई, मोटा मोटा क्लियर है आपको, नेक्स्ट क्लास में दोबारा करा दूंगा इसे, अपने आप मत पढ़िएगा, प्लीज डू नॉट रीड द चैप्टर ऑफ वोडाफोन योरसेल्फ, क्योंकि बहुत टेक्निकल है, मैं आपको इजी तरीके से कराऊंगा। इसमें ना रूल्स भी आए हैं जो आपको नहीं कराऊंगा, वो पेपर 6C में करते हैं, जैसे ना कि ये कंपनी अपनी सब्सटेंशियल वैल्यू यहां से डिराइव करती है, सब्सटेंशियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, सब्सटेंशियल वैल्यू का मतलब क्या होता है, कितने परसेंट, वो सब बातें। सो इतना करा दूंगा कि पेपर 7 के लिए सफिशियंट होगा, बट जो इसके प्रैक्टिकली करते हैं वो सब पेपर 6C में करेंगे। लास्ट टाइम पेपर 6C में पूरा 25 नंबर का क्वेश्चन था वोडाफोन, एंड एनी वन हु नोज वोडाफोन फॉर हिम 25 मार्क्स वॉज अ बोनस मार्क्स। सो आई थिंक इससे आगे नहीं कर पाएंगे आज, और कुछ करूंगा तो सब मिक्स अप हो जाएगा, सो लेट्स एंड 5 मिनट्स अर्ली टुडे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास वोडाफोन स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे, और ट्रांसफर प्राइसिंग जो एक मेन टॉपिक है हमारा उसे स्टार्ट करेंगे। विल स्टॉप।